लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अभास। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। मैं नहीं आ रहा। ए, वो नहीं आएगा, वहाँ देख उसके पापा रिस्क रामलिंगम आ रहे हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो। क्या रे, वो तुझे साइकिल चलाने के लिए बुला रहे थे? अगर तू उनके साथ जाता तो पहाड़ी के रास्ते साइकिल चलाता और फिर तू किसी पत्थर से टकरा जाता, उसके बाद चोट खाकर घर आता। अरे उल्लू का पट्टा, बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। स्कूल खत्म होते ही सीधे घर पर आना, अब जा। ये है मेरे पापा रामलिंगम। इन्हें हमेशा इस बात का डर सताता रहता है कि हर पल कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। इन्हें हर चीज में रिस्क दिखाई देता है। हर कदम भूक भूक कर रखने की आदत है इन्हें, इसीलिए अब लोगों ने इन्हें रिस्क रामलिंगम बुलाना शुरू कर दिया है। लोग मंदिर में नारियल कैसे फोड़ते हैं, पर मेरे पापा थैली में रखकर क्यों फोड़ रहे हैं? इसे बाहर फोड़ने पर इसका छिलका ऊपर उछलेगा, फिर किसी को चोट लगी तो। ये कितना रिस्की है ना? मेरी माँ नहीं है, घर में सिर्फ मैं और पापा रहते हैं। वो दिन भर बनिए के दुकान पर काम करते हैं और रात को घर आते हैं। शिवा, कल से तेरी छुट्टी हो रही है। मैं तुम्हारी आगे की क्लास की किताबें ले आया हूँ। तुम्हें कब और क्या पढ़ाई करनी है मैंने टाइम टेबल सेट कर दिया है। अगर तुम ध्यान से पढ़ाई करोगे और अच्छे नंबर लाओगे तो किसी बैंक में तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर एक अच्छे घर की सुंदर लड़की से तुम्हारी शादी हो जाएगी। बच्चे गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करते हैं, पर मुझे छुट्टियों से डर लगता है। मैं फिर से स्कूल खुलने का इंतजार करता रहता हूँ। मुझे लगा कि इस साल की छुट्टियाँ भी हमेशा की तरह होंगी, लेकिन तभी मेरी जिंदगी में राजीव की एंट्री हुई और प्रकाश राजन अंकल की भी। अरे संभल कर, कोई है सामने उतारने वाला। अरे किशोर, कोई घर शिफ्ट कर रहा है क्या? हाँ, पर तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ, ये पुलिस का मैटर है। पुलिस मैटर है? बापरे, कुछ नहीं पूछना मुझे। तुम्हारी बीवी और बच्चे कैसे हैं? घर आकर क्यों नहीं पूछते? मैं पुलिस में हूँ इसलिए ना, तुम कभी मिलने के लिए घर नहीं आते, ये बात ठीक नहीं है। पापा है? ये किसका घर है? तो चुपचाप बैठना। ये है राजीव। ये इसका एडमिशन मेरी क्लास में हुआ है। इसके पापा आईपीएस प्रकाश राजन हैं। वो एक रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर थे। मेरी गर्मियों की छुट्टियों और राजीव की छुट्टियों में बहुत फर्क था। राजीव। यस डैड। अगर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो छुट्टी का 1 घंटा भी वेस्ट मत करो। यस डैड। कम ऑन, कैच इट, कम ऑन, आई एम टाइमिंग इट, गो। मैं जब भी उन्हें देखता, अंकल राजीव को हमेशा कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीजें सिखा रहे होते थे। हो गया डैड। 70 seconds. दिन ब दिन तुम स्लो होते जा रहे हो। 10 minutes on the plank. Punishment. Go. अंकल राजीव को जो भी सिखाते थे उसका तरीका बहुत अच्छा होता था। Faster. डैड, मैं नहीं कर सकता, दर्द हो रहा है। 1 second. There you go. डैड,
डैड बहुत दर्द हो रहा है। होना ही चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे दर्द उतना ही कम होगा, तभी तो दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसे भी पापा होते हैं। कम ऑन बैरेट, मूव। मैं भी वो सब सीखना चाहता था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, हमारे घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? वेट, क्या नाम है तुम्हारा? शिवा। तुम पड़ोस में ही रहते हो ना? हाँ अंकल। मुझे पता था रूबिक क्यूब मिसिंग है, ये भी पता था कि वो तुमने ही चुराया। अंकल, आई एम सॉरी, आप रोज इसे कुछ सिखाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं रोज आकर देखता हूँ। सीखने के लिए क्यूब ले लिया। गुड, इसे अपने पास। नहीं नहीं अंकल, मैंने इसे सॉल्व कर लिया, बस मेरे पापा को मत बताना। तुमने सीख लिया? राजीव कम है, पकड़ो। अब तुम दोनों इसे एक साथ अब सॉल्व करना शुरू करो, और जो जीतेगा उसे चॉकलेट मिलेगा। आई एम टाइमिंग इट नाउ। मेरा हो गया डैड 53 सेकंड्स। यस, पहले मैंने 62 सेकंड्स में किया था डैड, मतलब 9 सेकंड जल्दी किया। आई एम सॉरी राजीव, शिवा ने तुमसे पहले सॉल्व कर लिया था 45 सेकंड्स। गुड, चॉकलेट इज योर्स। थैंक यू अंकल। क्या तुम अब भी और सीखना चाहोगे शिवा? हाँ अंकल। क्या हो गया तुम्हें? ये ठीक नहीं है, मुझे आपकी ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं। राजीव, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैंने एक मिनट के अंदर सॉल्व किया था, लेकिन आपने मेरी तारीफ नहीं की और चॉकलेट उसे दे दिया। उसे जाने के लिए कहिए, मैं आपका बेटा हूँ, अब तक आपने सिर्फ मुझे सिखाया है। मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे भले के लिए करता हूँ। ये रूबिक क्यूब 62 सेकंड्स में तुमने कब सॉल्व किया था? पिछली छुट्टियों में। और आज तुमने वो 53 सेकंड्स में सॉल्व कर लिया। तुमने सोचा है ये तुमने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया? कॉम्पिटिशन, इतने दिनों से तुम्हारी अकेले ही ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन जब तुम्हें कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ा, पता है ना तुम्हें, तुम में और बेहतर करने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन डैड, लिसन टू मी, जब मैं सर्विस में था उन्होंने मुझे मारने की 13 बार कोशिश की। आई गॉट अ बुलेट हियर, वो कामयाब हो गए थे। आज भी मुझे मारने की धमकियां आती रहती हैं, इसलिए मैं हमेशा अलर्ट रहता हूं, क्योंकि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं, हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा होशियार हो, हमसे ज्यादा ताकतवर हो। एक दिन जब तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करोगे, और अगर तुम्हारा दुश्मन शिवा जैसा रहा, क्या तुम उसके पास रोते हुए जाओगे या मुकाबला करोगे और जीतोगे? मैं उसका मुकाबला करूंगा। That's my boy. Hey, राजीव, यहाँ आओ, ये लो, तुम भी आधा लो। राजीव, गिव इट बैक, गिव इट बैक। अपना इनाम हमेशा जीत कर हासिल करो, हारने के बाद भी अगर तुम्हें इनाम मिला तो तुम्हारी जीतने की इच्छा खत्म हो जाएगी। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद से तुम दोनों इकट्ठे ट्रेनिंग करोगे। कमांडो ट्रेनिंग में इसे बड़ी पेयरिंग कहते हैं। अकेले ट्रेनिंग करने से बेहतर रिजल्ट्स बड़ी ट्रेनिंग से आते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी चीज ये है कि कभी भी दूसरे के लिए गिव अप नहीं करना है। जब तुम कम्पीट करोगे तब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और ट्रेनिंग के बाद बेस्ट फ्रेंड्स, बडीज। या शेक योर हैंड्स। That's मेरे जैसा अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो तुम्हें सख्त ट्रेनिंग लेनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फोटोग्राफिक मेमोरी। जब तुम कोई जगह या वारदात देखो तो वो दिमाग में फोटोग्राफ की तरह रजिस्टर हो जानी चाहिए। चलो दोनों अपनी आंखें बंद कर लो, तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी का टेस्ट करते हैं। जिस रास्ते से आ रहे थे वहां का क्या क्या तुम्हें याद आ रहा है? भुट्टे वाला, भजिया वाला, गाजर वाला। तुम तो स्वेटर की दुकान भूल गए। हाँ, स्वेटर की दुकान भी थी अंकल। एक पुलिस वाले को क्या दिखाई देना चाहिए पता है? मेरे पीछे देखो, एक 40 साल का आदमी फ्रूट स्टॉल पर केला खा रहा है। चाय वाला 5 ग्लास चाय बना रहा है।
स्वेटर शॉप के बाहर एक औरत बच्ची को पिंक कलर का शॉल ओढ़ा रही है। फूलों की दुकान पर कोई येलो रोजेस रख रहा है। व्हील चेयर में बैठी औरत प्लम्स खरीद रही है और सड़क पर खड़ी स्कूटर नंबर है TN431408 और बाजू में खड़ी गाड़ी का नंबर है TN376843। वाओ, क्या बात है अंकल। और सुनो, देखो उस औरत ने 5 प्लम्स उठाए, तुमने देखा उसमें से एक प्लम सड़ा हुआ था। कमाल है, आप तो जादूगर है अंकल। अगर तुम दर्शक बन के देखोगे तो तुम्हें जादू दिखाई देगी, लेकिन अगर तुम लगन से मेहनत से ट्रेनिंग करोगे तो तुम भी जादूगर बन सकते हो। जब भी मैं कोई बात कहूँ ध्यान से सुनना चाहिए, अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तब जाकर जादूगर बन पाओगे। आर यू बोथ रेडी? रेडी अंकल। रेडी डैड। दैट्स इट। ठंड लग रही है? नहीं अंकल। कुदरत, हमें कुदरत को अपना दोस्त बनाना है। चलो ना ओरे वीरा, सुनो ना मेरे यारा, जरा खास बना लो ना यारे। चलो ना ओरे वीरा, सुनो ना मेरे यारा, जरा खास बना लो ना। जब पुलिस मंपाई वारदात पर पहुंचती है तो वो वहाँ क्या देखती है? पहले तो मर्डर वेपन, फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स, कार के निशान, ब्लड स्टेन्स और आखिर में मोटिव। There you go. ये ले राजीव, तू भी खा। अरे राजीव, क्या हुआ? राजीव, राजीव क्या हुआ? अरे हेलो। राजीव का अचानक दम घुटने लगा। उसको मछली से एलर्जी होती है। उसे पता है मछली खाने से उसकी जान पर बन सकती है। जल्दी से मेडिकल स्टोर जाओ, एलेग्रा टैबलेट लेकर आओ। ओके अंकल। गेटअप कैसा लगा सर? गेटअप तो ठीक है, लेकिन सैल्यूट से मार खा गए। सॉरी सर। राजीव और उसका दोस्त स्कूल से किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। ऐसे दिखाओ कि तुम पुलिस वाले नहीं हो, तुम एक पॉकेट मार हो। सर पॉकेट मार जैसा बर्ताव करो। हाँ सर। जैसे बस स्टैंड पर कोई पॉकेट मार होता है, बस तुम्हें उसकी एक्टिंग करनी होगी। देखते हैं कि वो दोनों कोई क्राइम करने से पहले तुम्हें रोक सकते हैं। बच्चे ये कैसे कर पाएंगे सर? नो, तुम उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना, मैंने ट्रेनिंग दी है उन्हें। सर राजीव एक ब्राइट स्टूडेंट है, वो कोई डॉक्टर या आईटी इंजीनियर बन सकता है। इतनी उम्र में कड़ी ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है सर? क्यों, होशियार बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही बनना चाहिए? क्रिमिनल्स भी दिन ब दिन होशियार होते जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए हमें डिपार्टमेंट में होशियार लोगों की जरूरत है। नाउ गो, टेक ए पोजीशन। श्योर सर। गो। थैंक्स। ए राजीव, वहाँ क्या कर रहा है? लगता है बारिश होने वाली है, चल। अभी तुम जाओ, कल मिलेंगे, ठीक है? तूने उस लड़की को क्या दिया? अपने से बड़ी लड़की को पटा रहा है। बेचारी, माँ बाप नहीं है उसके, मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा था। लगा रहा है बड़ी। हाय अंकल, आप यहाँ कैसे? हर चीज का कोई कारण होता है। आज मैं तुम दोनों की फोटोग्राफिक मेमोरी टेस्ट शुरू करने वाला हूँ। आई विल गिव यू 10 सेकंड्स। देखो आसपास ध्यान से देखो और बाद में सवाल पूछूंगा। ओके, आई एम टाइमिंग इट, गो। दैट्स इट। तुम्हें कुछ सस्पिशियस दिखाई दिया? अब याद करो कि तुमने क्या देखा। चप्पल वाले के हाथ में बड़ी सी सुई थी, एक आदमी बीड़ी पी रहा था, बूढ़ा आदमी छाता लेकर खड़ा था और याद आ गया डैड, ब्लैक जैकेट वाला। सभी लोग रोड की तरफ देखकर बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो आदमी उसके आगे खड़े लोगों की पॉकेट्स की तरफ देख रहा था। वो जरूर पॉकेट मार होगा डैड। वंडरफुल, आज तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। क्या हुआ शिवा? हाँ अंकल, राजीव ने जो बताया वो मैंने भी देखा, लेकिन उस आदमी का जैकेट एक साइड से 2 इंच झुका हुआ था, मतलब उसकी जेब में शायद कोई भारी चीज हो सकती है जैसे गन। मैंने गेट के पास पुलिस की बाइक खड़ी देखी थी और उस आदमी का हेयर स्टाइल, उसकी मूछें,
पुलिस। वो सिविल ड्रेस में पुलिस वाला आपके फ्रेंड है अंकल, वो भी इस गेम में शामिल है क्या? अनबिलीवेबल सर, कौन है ये लड़का? वो शिवा है, हमारे पड़ोस में ही रहता है, बट इज वेरी नेचुरल। मैंने मेरे बेटे को जो सालों से सिखाया था उसने 2 महीनों में सीख लिया। अगर वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन करेगा तो मेरे बेटे से भी ऊपर का होदा पाएगा। ही इज वेरी टैलेंटेड। शिवा, इतनी देर क्यों? पापा, प्रकाश अंकल फोटोग्राफिक मेमोरी सिखा रहे थे। फोटोग्राफिक मेमोरी? ऊटी में फोटो स्टूडियो खोलेगा क्या? तुम आजकल काफी समय उसके साथ बिताते हो, वो आदमी ठीक नहीं है। प्रकाश अंकल के लिए ऐसा मत बोलिए, वो बड़े पुलिस ऑफिसर थे, हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। खींच के एक दूंगा, पागल जैसी बात करता है, बड़ा पुलिस वाला है। पता है जिस तरह वो दिव्यांग है, तुम्हें भी कुर्सी पकड़ के बैठना पड़ेगा, उसके घर के पास जाना भी मत। सुनो मेरी बात, आज के बाद उसका नाम भी मत लेना, नहीं तो मैं तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा के दुकान पर काम पे लगा दूंगा। अच्छा, तुम्हारी नजर मेरी रानी पर है, अब तुम चाल चलो। देखो शिवा, कितनी भी कोशिश कर लो मेरी रानी को छू नहीं पाओगे। चेक। कोई चाल नहीं बची तुम्हारे पास। चेकमेट। राजीव, डैड बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूं। डैड, शिवा देखो ना, किसी ने डैड को चाकू मारा और भाग गया। उठिए ना डैड, 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 शिवा कुछ करो ना। देखिए देखिए, शांत रहिए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मैं बताता हूँ, शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज बात को समझिए, प्लीज आप शांत हो जाइए। सर 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 सर, आवाज बंद करो, चुपचाप बैठो, बैठो चुपचाप। बच्चे, तुम कौन हो? तुम उनके घर पर क्या कर रहे थे? सर, मैं पड़ोस में रहता हूँ, मैं और राजीव चेस खेल रहे थे, मैं हमेशा उनके यहाँ जाता हूँ। हमेशा जाते हो, किस लिए? प्रकाश अंकल हम दोनों को पुलिस की ट्रेनिंग देते थे। पुलिस की ट्रेनिंग? क्या बोल रहे हो, थोड़ा डिटेल में कहो। सर, आपने उन लोगों को भागने दिया, आपके पास कोई सबूत नहीं है और हमसे ऐसे पूछ रहे जैसे हम मुजरिम हैं। जबान खींच लूंगा तुम्हारी, मुझसे जबान चलाते हो, लॉकअप में डाल दूंगा। आप नहीं कर सकते सर, नाबालिग को पुलिस स्टेशन लाना भी कानून के खिलाफ है। और जबान चलती तुम्हारी, अपने आप को क्या समझते हो? सर, इसे कुछ भी नहीं मालूम सर, इसे जाने दीजिए। ये मुझे कानून का पाठ पढ़ा रहा था, पुलिस ट्रेनिंग के बारे में बोल रहा था, क्या कहना चाहता? हम बेकार का काम कर रहे हैं यहाँ। सर ये सच बोल रहा है सर, हमें वारदात की जगह ले चलिए सर, हम तहकीकात में आपकी मदद कर सकते हैं। बेशर्मी की भी कोई हद होती है सर, ये मैथ सीखने के लिए उनके घर जाता था, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आती है, इसीलिए ये मेरे मना करने के बावजूद वहाँ जाता था। साहब, मेरा रिकॉर्ड एकदम क्लीन है साहब, हम उनके पड़ोस में ही रहते, बाकी उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। गाड़ी जाते हुए देखी थी। तू अभी बिल्कुल चुप रहे। साहब, मैं अपने बेटे को हमारे हाथ में नहीं देख सकता साहब, इसे छोड़ दीजिए साहब। किशोर भाई, तुम ही कुछ समझाओ ना। सर, ये कभी किसी लफड़े में नहीं पड़ता, हमेशा अपने काम से काम रखता है। ये कोई मामूली मर्डर केस नहीं है, हाईली सेंसिटिव पुलिस मर्डर केस है, डिपार्टमेंट की इज्जत दांव पे लगी है। हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि जल्द से जल्द खूनी को अरेस्ट करें। जिस कार में भागे थे वो कार रास्ते में एक बिजली के खंभे से टकराई, फिर वो उसे छोड़कर भाग गए। सिर्फ इन दोनों ने ही उन्हें देखा है। मैंने इलाके के सारे गुंडों को राउंड अप किया है, इन्हें उनकी शिनाख्त करनी है। राकेश जी। सर, उनका एड्रेस और फोन नंबर मिला क्या? मिल गया सर। देखिए मेरी बात सुनिए, जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको लेकर आना होगा। जाइए। पापा, पापा, पर राजीव, अरे पापा, मैं कह रहा हूँ चल यहाँ से, चल। राजीव को भी साथ। अरे सुनो, रुको ना, घर चल, रुको तो। अरे तुमने जिंदगी में कभी कोई रिस्क नहीं उठाया, लेकिन अब इतने बड़े केस में फंस गए हो तुम। उस इंस्पेक्टर का दिमाग खराब है, इस केस की वजह से बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। खूनी अभी भी आजाद बाहर घूम रहा है। भाई मेरी बात मानो, लड़का अभी भी नाबालिग है, उन्होंने FIR भी दर्ज नहीं की है। सोचने में वक्त बर्बाद मत करो, शहर अरे किशोर ले रहा हूं। हाँ हाँ आ रहा हूँ। चल गाड़ी में बैठ, जल्दी निकलना होगा हमें। मेरी बात सुनिए, सबूत इकट्ठा नहीं किया और 6 घंटे में मुजरिम को नहीं पकड़ा तो मुश्किल बढ़ जाएगी। मुझे बस 10 मिनट के लिए वहाँ जाने दीजिए, मैं पता कर लूंगा कि अंकल को किसने मारा। क्या बात कर रहा है तू, पागल हो गया है क्या? अगर तुझे भी मार दिया होता तो कितनी बार समझाया कि उनके घर मत जाया कर, फिर भी नहीं माना। देख शिवा, मैं सिर्फ तेरे लिए जिंदा हूँ,
क्या तू भूल गया बेटा कि तेरी माँ के साथ क्या हुआ था? वो गई थी किसी का झगड़ा सुलझाने, लेकिन जिंदा वापस नहीं आई। झगड़ा तो सुलझ गया था, लेकिन हमारा परिवार रास्ते पर आ गया था। उनसे छुटकारा पाने के लिए ही हम लोग वहां से यहाँ पर आ गए थे। अब हम लोग फिर से उसी हालत में फंस गए। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस 10 मिनट के लिए मुझे जाने दीजिए। अब तू अगर कुछ भी बोला ना, तो मैं पहाड़ी से कूदकर जान दे दूंगा। पापा, पापा सुनिए, पापा, 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 मैं आपकी हर बात मानूंगा। पापा प्लीज रुक जाइए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। प्लीज पापा। तो वचन दे मुझे, तो पुलिस में भर्ती नहीं होगा, जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई जोखिम नहीं उठाएगा। जैसे मैं कहूंगा वैसे तुझे जीना होगा। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो वादा कर बेटा। वादा करता हूं। शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। तुम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हो? दादा, हम 250 लोग हैं और हमें काम से निकाले हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। हमारी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। हम वापस जाना चाहते हैं, पर हम वो भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पासपोर्ट वापस नहीं कर रहे ये लोग। यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अब हमारे पास पैसे नहीं बचे दादा। अरे तनख्वाह नहीं दी तो भी फिक्र नहीं है हमें, कम से कम पासपोर्ट तो वापस दे दो। हम बस वापस अपने घर लौट जाना चाहते हैं। अरे शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे तुम लोग यहाँ झंडा उठा के कभी भी हड़ताल नहीं कर सकते हो। सुनो, ये अपना देश नहीं है, वो कभी भी उठा के तुम्हें जेल में डाल सकते हैं। तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं, फिर इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? अरे जिस आदमी ने मुझे भेजा उसका नाम ईश्वर मूर्ति है। हम लोग आपस में बात करेंगे और कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने आपकी प्रॉब्लम समझ ली है। कंपनी का नाम येलो स्टोन कंस्ट्रक्शन है, ओनर एक चाइनीज आदमी है। वो कहता है कि इनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है और ये लोग जहाँ चाहे वहाँ काम कर सकते हैं। सर वो झूठ बोल रहा है सर, और इसलिए झूठ बोल रहा है ताकि वो लोग दूसरा काम ना कर सके। हाँ भाई मुझे पता है, लेकिन ये कोर्ट में साबित करने में कई महीने बीत जाएंगे। तुम्हें उस ओनर से बात करनी होगी। बिना सोचे समझे तुम लोग किसी भी कागज पे साइन कर देते हो और पासपोर्ट भी दे देते हो, फिर जब प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास आते हो। आई एम सॉरी गणेश, अगर वो मालिक नहीं माना तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सर लोगों ने उसके लिए अपना खून पसीना बहाया, लेकिन अब उसके वॉचमैन इन लोगों को बुरी तरह से भगा के बाहर कर रहे हैं। हमें बस आपका ही भरोसा है सर, कुछ तो कीजिए सर, प्लीज सर। ये पुलिस वाले भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहे दादा। इसका बाप जिंदगी और मौत से लड़ रहा है दादा। वहाँ जाकर ये अपने बाप से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा हम ये भी नहीं जानते। मेरी बीवी पेट से रोज मुझसे पूछती है, हॉस्पिटल के खर्चे के लिए पैसे कब भेजोगे? बताओ तुम पैसे क्यों नहीं भेज रहे हो? उसे किस मुंह से बताऊं कि यहाँ मेरी क्या हालत हो गई है दादा? छोड़ो, खुदकुशी एक रास्ता बचा है। अरे मैं भी तो तुम लोगों के लिए लड़ रहा हूँ ना, ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए। जगन माना हम लोग यहाँ इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन हम लोगों ने पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया, उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? शैतान कही थी। ये बता, इतने सारे सीसीटीवी कैमरा के होते हुए तू बच कैसे जाती है? वो मेरा सीक्रेट है, लेकिन आप डर गए ना? बिल्कुल नहीं, बड़े लोग डरने का नाटक करते हैं जिससे बच्चे खुश होते हैं। देखा मैंने तुम्हें कैसे उल्लू बनाया। अरे अंकल मैं नहीं, आप बने। जवाब देती है, आने दो उसे, उससे कहकर तेरी चोटी कटवा दूंगा। बापरे, इसने डरा के मेरी दिल की धड़कने बढ़ा दी। आपके बेटे ने ही मुझे सिखाया है कि आपको कैसे डराया जाए। वैसे शिवा अंकल आज जल्दी लौटने वाले नहीं है, हमारे कुछ लोगों का पासपोर्ट इशू हो गया है और वो लोग पुलिस स्टेशन में गए हुए हैं। शिवा अंकल भी पुलिस स्टेशन में? मेरा बेटा? हेलो शिवा, कहाँ हो तुम? दिवाली आ रही है पापा, मिठाइयों की बड़ी ऑर्डर मिली है, तो
होलसेल में दूध खरीदने के लिए आया था, क्या हुआ? दूध लेने गया है। मुझे इस छोटी शैतान ने बताया कि पुलिस स्टेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है और तू वहाँ पर गया हुआ है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन? मैं कभी वहाँ जा सकता हूँ पापा? कितना रिस्की होता है। सॉरी बेटा सॉरी, मैंने तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा सुनो, इस साल की स्पेशल मिठाई क्या बनानी है? हलवा पापा। बहुत अच्छा। सुना तुमने, मिठाई के लिए दूध लेने गया है। मेरे संस्कार हैं, मेरा बेटा है वो कभी भी जिंदगी में कोई रिस्क उठा ही नहीं सकता। अपने बेटे के बारे में कुछ और बता देता हूँ, वो बचपन से ही सही रास्ते पर चलता आया है। गलत काम के बारे में उसे कुछ भी मालूम ही नहीं है। वो कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता। इसमें कितना रिस्क है मुझसे ज्यादा वो जानता है। शिवा, मैंने कांच टूटने की आवाज सुनी, उसके दांत टूटे हैं। तू जल्दी से जीपीएस ट्रैकर चेक कर। ए, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। बस दो बटन ही तो दबाने हैं, एक स्पेस बार और एंटर। इतना भी नहीं होता क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। किस तरफ जाऊं, राइट या लेफ्ट? राइट। हे, लॉकर रूम किस तरफ है? तू बस सीधा जाता रहे, सामने ही लॉकर रूम है। ओके। ए जगन, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है यार। क्या करूं, तो मैंने कौन सी बिरयानी खाई है? देख नहीं रहा, तब से यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। एक नंबर की कमीने, हम लोग यहाँ पे सो रहे और हम पर कचरा फेंक कर जा रहे हैं ये बेवकूफ। जगन, मुझे एक डाउट है। अब क्या है? तुझे याद है बाढ़ में फंसे लोगों को उन्होंने कैसे राशन पहुंचाया था, पता है ना तुझे? हाँ। वैसे ही शायद कोई हम पर तरस खाकर खाने की चीज तो फेंक कर नहीं गया होगा। खुलता हूँ, इसमें तो प्लास्टिक कवर्स है। सोचा था खाना मिलेगा। हमारे पासपोर्ट है, ये देख। सबके लगता है इसमें। ये देखो, ये तो मेरा पासपोर्ट है और इसमें हमारी तनख्वाह भी है। ए सुनो, आ जाओ। ए शिवा, अरे शिवा, आ जाओ आ जाओ। क्या बात है यार, बिरयानी लेकर आया। अरे वाह, अरे भाई, आ जाओ आ जाओ, खाओ खाओ, ये लो। हां हां, दे रहा हूं। कोई भी अपन को नए सुंदरी चलेंगी भाई, चलेंगी अपन को तो हाँ बोले तो तेरे जैसी धानी। तूने जो देखा मुझे, जाने क्या हुआ मुझे, ढूंढा फिर यहाँ वहाँ, जाने कहाँ दिल ये गया हाय। तेरे ही पीछे पीछे चला दिल आँखें मीचे, तेरे चुम्बकी अदा पे दिल फिदा हुआ मेरा हाय। अभी तो सिंगल हूँ मैं, तू कहे कपल हो ले, देखा जो तुझे अपना समझ लिया उसी समय से। दीवाना मैं तेरा, सब अपना मैंने तुझ पे हारा। दीवाना मैं तेरा, सब अपना मैंने तुझ पे हारा।
तो तेरे जैसी धानी। ये छोरियां पहले भाव खाती है, ये छोरियां थोड़े नखरे दिखाती है छोरियां, फिर आते धीरे धीरे लाइन पे ये सारे छोरियां, ऑर्डर देखो चलाती है सर पे, सिंगापुर हो या फिर नॉर्वे, चेक कर लो करके तुम सर्वे, है ये खबर सच्ची सच्ची, मानो ना तुम अब कुछ भी कच्ची, सबको घुमाते हैं और झुमाते हैं, उंगली पे दुनिया नचाते हैं पूरे, जादू काले काले इनके हेरे, इनके बातों में कभी ना आ रहे, जीने नहीं देते इनके इशारे। भूला तुम हाँ जो कह दो, एक यारा तेरे सिवा चाहना किसी को, मैं हूँ मुसाफिर तेरा, गाड़ी तुम मेरी हो, धक्का दो गाड़ी तुम बढ़ा दो, तेरे ही पीछे पीछे चला दिल आके नीचे, तेरे चुंबकीय अदा पे दिल फिदा हुआ मेरा, अभी तो सिंगल हूँ मैं, तू कहे कपल हो ले, देखा जो तुझे अपना समझ लिया उसी समय से, दीवाना मैं तेरा, सब अपना मैंने तुझते हारा, दीवाना मैं तेरा, सब अपना मैंने तुझते हारा, ऐसे रास्ते पर नाच गाना कर रहे हैं, काम करने आए हैं ये लोग, जरा सी भी तमीज नहीं है इन लोगों में, बदतमीज लोग। क्या हुआ पापा? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बेवजह डिस्टर्ब हो जाओगे। आप कहकर तो देखिए। शायद तुम्हें पता नहीं, कल रात किसी ने उस कंपनी में घुसकर वहां के पासपोर्ट और पैसे निकाल लिए। हाँ, एक सर्वे क्या कहता है पता है? क्या कहता है? जो ऐसी हरकत करता है ना, उसकी कोई गलती नहीं होती, उसके संस्कार गलत है, जरूर उसका बाप गया गुजरा होगा। क्या कहा? सुना नहीं? उसका बाप जरूर कोई चोर उचक्का होगा। हंस क्यों रहा है? तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा पापा। तो फिर कबूल कर। क्या कबूल करूँ? यही कि उसका बाप गया गुजरा होगा। ठीक है, मैं कबूल करता हूँ। हाँ, अब आया ना लाइन पर। कौन है? शिवा सुपरमार्केट डिलीवरी है। मैं दरवाजा अनलॉक करती हूँ, सामान टीवी के पास रख देना। ओके ओके। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मुझे बस घर से भाग जाना है। 2 महीने में मेरे एग्जाम्स हैं। मैं सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट रिसर्च मटेरियल देखना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि उन्हें डाउनलोड करने के लिए मुझे 10,000 सिंगापुर डॉलर देने होंगे। मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज की साइट पर जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन हर साइट पर एक्सेस डिनाई हो रहा है। उसने कहा था कि रोबोटिक इम्प्लांट सर्जरी एक एडवांस साइंस है। गरीब होने की वजह से क्या एडवांस साइंस की पढ़ाई नहीं कर सकती? मैं तो सिर्फ एक इमिग्रेंट स्टूडेंट हूँ। मेरी माँ ने हमारा घर गिरवी रख के मुझे पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है। वो पहले से ही इतना तकलीफ उठा रही है, उनसे और 5 लाख रुपए किस मुँह से मांगूं मैं? We cannot afford this. We are in so much loss. We have to do something about this. So much loss. Can I talk? Can I talk? तो तुम लोग अब हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, सारे बिजनेस रिलेशंस खत्म करना चाहते हो, लेकिन फैसला करने से पहले एक बार ये देख लो, कई सालों से चाइना की आबादी भारत की आबादी से कई गुना ज्यादा रही है, लेकिन अब वो लगभग एक जैसी ही है। जल्द ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा इंडिया, और ये भी समझ लो कि तुम लोग एक्सपोर्ट करने वाले देश हो, जबकि इंडिया करता है इम्पोर्ट। तुम चाइना का कोई भी कचरा हमें बेचो, हमारे लोग खरीद लेंगे। किसी 20 रुपए की चीज के लिए हमारे लोग 200 रुपए तक दे सकते हैं, सिर्फ उस पर मेड इन फॉरेन का लेबल लगा होना चाहिए, फिर वो उसके लिए 2000 भी दे देंगे। क्या आप ऐसा मार्केट खोना चाहते हो? हमारे यहाँ चाइनीज एप्स पर पाबंदी लगाई गई है, इम्पोर्ट पर बैन है, एंटी चाइना मूवमेंट चलाई जा रही है, और इस सब के पीछे है अरुंधति मोहन।
India ki foreign affair minister. But your company cannot stop her and you're not able to bribe her. We don't want to incur any more losses. Kyun? Itne saalon se hum ministers ko manage kar rahe hain na? Suniye. Baat jab India ki ho tab har 40 saalon mein koi na koi imandar politician aayega hi. To tum kya chahte ho? Ki hum 100 saal purana business band kar dein? Mere paas solution hai. Wahan dekhiye. Japanese businessman Ho Chin ek car accident mein mare gaye. अमेरिकन जर्नलिस्ट मारिया खुदकुशी कर ली. बॉलीवुड एक्टर साहिल स्विमिंग पूल में मरा हुआ पाया गया. और ऐसे न जाने कितने सारे केस हैं. लेकिन वहां की पुलिस के रिकॉर्ड में या तो ये सारे एक्सीडेंट थे या खुदकुशी. लेकिन पूरे अंडरवर्ल्ड को पता है कि इस सब के पीछे है एक इंडियन. हर एक मर्डर एक सोची समझी साजिश थी. क्या पता कल ऐसा ही कोई हादसा अरुंधति मोहन के साथ हो. किसी को शक नहीं होगा. स्टॉप. दिस इज $100 billion बिजनेस. आई वांट टू कॉल फॉर वोटिंग. हु डजंट वांट टू हायर हिम एंड हु वांट्स टू हायर हिम. अरे मेरा रिसर्च पेपर लगभग तैयार है. मुझे सिर्फ टाइप करके सबमिट करना है. कांग्रेट्स यार, तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं. तुम्हारी माँ कितनी खुश होंगी ना. पर इतने पैसे आए कहाँ से? ये तो मुझे भी नहीं पता. मैंने शिवा सुपरमार्केट से सामान ऑर्डर किया था. कोई डिलीवरी देने आया था. मैं काफी अपसेट थी. डोर फोन से उसे सामान रखने को बोला और मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी. बाद में जब मैंने अपना लैपटॉप देखा तो सारे पेपर्स डाउनलोड थे. झूठ बोलना बंद करो और मुझे सच सच बताओ. मैं भगवान की कसम खाती हूँ. अब तुम खुद ही देख लो, वो तो एक नोट भी छोड़ कर गया है. तुम जैसे बच्चों को पढ़ाई करने का पूरा हक है. So sweet, huh? पर ये तो नाइंसाफी है ना. मेरा भी रिसर्च खत्म नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प क्यों की? ए, उसका लक अच्छा है, जाने दो ना. No chance, वो जरूर कोई हैकर होगा. ऐसे रिसर्च पेपर्स एक्सेस करना कोई मामूली बात नहीं है, समझी? वो है क्या? ए शिवा, क्या यार, डिलीवरी करने में इतना वक्त क्यों लग गया? हेलो, तुमसे कुछ बात करनी. अच्छा, डांट पड़ी तो लड़की की आवाज में बात करेगा. तुम मेरे घर आए थे और तुमने मेरी फ्रेंड के मेडिकल रिसर्च पेपर्स हैक किए थे ना? इसने कुछ कहा क्या? मैडम, एक बनिए को ये सब आता होगा क्या? लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है. सेम हैंडराइटिंग. मुझे पता है कि वो तुम ही थे. प्लीज मेरी भी हेल्प कर दो. मेरी बात ध्यान से सुनो. जिसे ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ. अगर चावल खरीदने हैं तो वो खरीद सकती हो. ऑयल चाहिए तो वो भी ले सकती हो. लेकिन ये जो तुम रिसर्च और हैकिंग की बातें कर रही हो, ये सब बिल्कुल गलत है. लोग रात दिन मेहनत करके लाखों रुपए खर्च करके रिसर्च पेपर डाउनलोड करते हैं और तुम इन्हें फ्री में हैक करवाना चाहती हो. ये कानून के खिलाफ है. इसमें कितनी बड़ी रिस्क है तुम्हें पता है? सामने खड़ी हूँ ना, चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो? मुझे दुकान बंद करनी है, तुम जाओ यहाँ से. मतलब मेरी हेल्प नहीं करोगे? ए लड़की, कहा ना नहीं था, फिर क्यों पीछे पड़ी है? निकल यहाँ से. देखा शिवा, मैंने कहा था ना, परवरिश अच्छी नहीं हुई है, इसका बाप भी वैसा ही होगा. यंग लड़की है, हो गई उससे गलती, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अबे पागल है क्या? मेरी दुकान पर आकर मुझ पे ही चिल्लाई और तू चाहता है मैं कुछ भी ना करूं? तू चुपचाप यहाँ बैठ जा, मैं देखता हूँ क्या करना है. अरे यार टेंशन मत ले, हम वैसे ही पहले से परेशान. वहां गई, देख ध्यान से, सिर्फ उसे डांटना, मारना वरना बिल्कुल नहीं. हाँ अश्मिता मैडम, आपका रिसर्च टॉपिक क्या है? मैं मदद करना चाहता हूँ. मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से. अश्मिता मैडम, ऐसा मत कहिए, मैं मदद करने को तैयार हूँ. इसे बोलना, जाओ यहाँ से. अरे सुनिए तो अश्मिता, अश्मिता अब तक कैसे नहीं आई? आज का लेक्चर कितना बोरिंग रहा है ना. मेरी बात तो सुनिए, अपना रिसर्च टॉपिक बताइए, मैं मदद करता हूँ. अरे रुको ना, रुक जाओ यार, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, तुम समझाओ ना इसे. एक्चुअली इसके रिसर्च का टॉपिक है, तू अपना मुंह बंद रख. अरे जा कहाँ रही हो, बता तो दो. मेरी बात सुन, तू ये पागलों की तरह उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है?
तुझे साथ जानना है क्या? हाँ जानना है। अरे तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं? पैसे तो गणेश भैया कैसे हैं आप? अरे मैं एकदम ठीक हूँ। बच्चे का स्कूल कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। तुमने उसके लिए जो कंप्यूटर असेंबल किया था ना, आजकल सिर्फ वही यूज करती है वो, और हमेशा तुम्हारी बातें करती रहती है वो। शिवा मुझे भी जॉब मिल गई। गैस एजेंसी पे जॉब दिलवाने के लिए थैंक यू शिवा। नो प्रॉब्लम, अगर कुछ और काम हो तो बता देना। अब समझा, मैं लोगों की मदद करने का काम करता हूँ। वो लड़की मेरे पास मदद मांगने के लिए आई थी, अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो ये गलत होगा ना। क्या हुआ? लड़कियों की मदद करने वालों में से तो हो नहीं तुम। ऐसा लग रहा है शायद तुम्हें उसकी हेल्प चाहिए। अपना टाइम वेस्ट मत कर, ऐसे बात नहीं बनेगी। वैसे ही तुझसे बहुत नाराज है। चल नारियल पानी पीते हैं। मेरा प्लान तो कुछ और ही है। कैसा प्लान? कैसी हो? सबसे पहले अस्मिता, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने तय किया है तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने बहुत पूछा लेकिन तुमने अपना रिसर्च टॉपिक नहीं बताया, इसीलिए मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पिछले 10 सालों के सारे रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर लिए। तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स उसमें से जो चाहे ले सकते हैं, लेकिन याद रखो डाउनलोड लिंक सिर्फ 1 घंटे के बाद डिलीट हो जाएगी। अरे हट ना। अच्छा रिजल्ट आया है। ए अस्मिता, हाँ प्लीज, हमारे 3 थीसिस टॉप 3 थीसिस में सिलेक्ट हो गए। सरप्राइज। ये थैंक यू। ये केक भी मुझसे बात कर रहा है, तुम नहीं करोगी क्या? ओके ठीक है। फ्रेंड्स 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 बोल रही है, इतना काफी नहीं है क्या? अभी बता दो। धड़के मेरा दिल धड़के, धड़के जोरों से धड़के, लगता जैसे अपने चाहत पाने को दिल तड़पे। है वो सूरज के किरने या फूलों के मुस्काने, उड़ने को बेताब है उनके सतरंगी से सपने। दिल का मामला है इश्क से ये दिल की बाजी ना, अब और ना कहीं तुम बिन दिल राजी। दिल बिलहार के सदियार के बस रहना जा रहे, हाँ ये प्यार के है परिंदे दीवाने। तकले 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 नी सोनिए तू, तकले 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 नी सोनिए तू, तकले 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 नी सोनिए तू, तकले 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 नी सोनिए तू, तकले। पापा आपको तो तेज बुखार है, अस्मिता को कॉल कर। बाबू नाटक नहीं। धड़के मेरा दिल धड़के, धड़के जोरों से धड़के, लगता जैसे अपने चाहत पाने को दिल तड़पे।
सॉरी। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, शुड आई हेल्प यू? या श्योर। आर यू फ्रॉम सिंगापुर? नहीं, इंडिया से। ओह, टर्बुलेंस बहुत ज्यादा था नहीं? हाँ। बच्चा ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा है ना? लड़का है या लड़की? एक्चुअली मैंने चेक नहीं किया, मैं तो छुट्टियां बिताने आई थी, लेकिन अब स्कैन करा लूंगी। इंडिया में स्कैन कराना इलीगल है ना, लेकिन सिंगापुर में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम्हें क्या चाहिए, लड़का या लड़की? चाहिए तो लड़की, मैं उसका नाम अंकिता रखूंगी, सोच लिया है। और लड़का हुआ तो? लड़का हुआ तो इट्स ओके, बच्चा तो मेरा ही होगा ना। लेकिन आपकी बातों से तो आप खुश नहीं लगती। ठीक है, उसका नाम मैं आशीष रखूंगी, बस खुश हो। हमारे बच्चों के लिए भी झगड़ना पड़ता है, अकेली ट्रैवल कर रही है। हाँ। चाहो तो मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ। नो इट्स ओके, आई विल मैनेज। नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू। हाय। आप इसी होटल में रुकी हो? हाँ, लेकिन सिर्फ दो दिनों के लिए, स्कैन सेंटर यहाँ से नजदीक है ना, आज शाम की अपॉइंटमेंट है। मतलब आज शाम को पता चलेगा कि आशीष आने वाला है या अंकिता, जानने के लिए मैं भी बेताब हूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम डिनर साथ में कर सकते हैं, तो स्कैन का रिजल्ट भी बता सकती हो मुझे? ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्यों ना हम 8 बजे शाम को लॉबी में मिले? हाँ वो ठीक रहेगा, अंकिता होगी तो आपकी ट्रीट, आशीष होगा तो मेरी ट्रीट, डील? यार वो कितनी सुंदर है, दिल की कितनी साफ है, कल रात डिनर के वक्त ना हम। ए चुप बैठ, अपना काम कर यार। ए तू अस्मिता का नाम सुनते इतना उखड़ क्यों जाता है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? अभी अभी वो तेरे लाइफ में आई है और तूने उसे अपना ब्रांड मॉडल बना दिया, उसकी शक्ल देखते ही लोग राशन लेने तेरी दुकान पर आएंगे। ए इतने सालों से तेरे साथ हूं, मेरा फेस अपनी पोस्टर पर क्यों नहीं लगाता? गलती हो गई भाई, माफ कर दे। हाँ ठीक है, माफ कर दिया तुझे, लेकिन सुन ले, एक बार सोच ले, कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा क्यों नहीं होगा? अबे अस्मिता एक डॉक्टर है, तुमने जो पापा के लिए सैक्रिफाइस किया वो नहीं समझेगी और ना ही तुम्हारे इस दुकान में साथ देगी। तूने कॉरेस्पॉन्डेंस से पीजी और पीएचडी किया है, तू स्मार्ट है, क्वालिफाइड है, तुझे दुकान नहीं चलाने देगी यार, ऊपर से तुम्हारे पापा के तेवर देखकर डर जाएगी। पापा हमेशा से ऐसे नहीं थे, एक आंदोलन के वक्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हुए माँ की मौत हो गई, पापा के मन में डर बैठ गया। डॉक्टर कहते हैं कि एक तरह का कॉम्प्लेक्स फोबिया है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी उसी तरीके से जी रहा हूँ जैसे वो चाहते हैं। क्या करूं?
सिंगापुर में इंडियन कम्युनिटी के नजदीक गैस के लीकेज की वजह से गैस एजेंसी में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें 11 लोगों की मारे जाने की खबर है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। लीकेज की वजह का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। पुलिस इस गैस एजेंसी से पूछताछ कर रही है। सरकार की तरफ से मरने वालों के परिजनों को 10,000 किसी की जान की कीमत सिर्फ $10,000। इतने पैसों में उनकी बॉडी उनके गाँव भी नहीं भेज सकते। मैंने ही उन्हें वहाँ नौकरी दिलवाई थी। शिवा, तूने नेक इरादे से उन्हें नौकरी दिलाई, किसे पता था ऐसा हो जाएगा। 11 लोग मर गए, जवान लड़के, घर पैसे भेजने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। यार एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, हम भी बाल बाल बचे हैं। सब लोग या तो हॉस्पिटल गए या फिर मुर्दा घर, सबके सब भूखे होंगे। चल चलते हैं। बेटा मैंने घर पर खाना बना कर रखा है, सभी लोगों में बांट देना। ओके अंकल, चल शिवा। एक मिनट गाड़ी रोक। अबे यहाँ क्यों रोक रहा है? एक मिनट सुन, कहाँ जा रहा? ये क्या है? सारी डेड बॉडीज मॉर्चोरी लेकर गए ना, तो फिर इसे क्यों पीछे छोड़ दिया? हे भगवान, ये डॉगी तो ऊपर वाले घर का है। एक घंटा पहले बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हो गया इसे? एक घंटे पहले ठीक था मतलब ये गैस एक्सप्लोजन से नहीं मरा? बिल्कुल नहीं भाई, मैं थोड़ा काम में बिजी था और अभी देखता हूँ तो ये मर चुका है। शिवा हम लेट हो रहे हैं, चलना चलते हैं। रुक जा। अरे ये तो क्या कर रहा है? बाबू सुन, उस ट्रांसफॉर्मर का फ्यूज निकाल दे। वो किस लिए? जो बोल रहा हूं वो कर। ये पेंट देख रहा है? गैस लीकेज एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर गैस लीक करवाया है। पेंट का गैस लीकेज से क्या कनेक्शन? उन्होंने पेंट के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दिया है। अपने एरिया में तो सारा पेंटिंग जोसेफ के लोग करते हैं ना, उनकी परमिशन के बगैर कोई हाथ नहीं लगा सकता यहाँ। जोसेफ कहाँ मिलेगा? Yes. I want it mixed with some cold drink. Yeah. Joseph. Okay. जोसेफ, बता ऐसा क्यों किया? मुझे पता है ये तूने किया, बोल क्यों किया ऐसा, बोल। प्लीज प्लीज मारो मत, मुझे ड्रग्स की आदत है, तुम मुझे मार डालोगे, तुम तो मुझे जानते हो। अगर कोई पैसे देता है तो मैं उससे कोई सवाल नहीं करता। एक बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया था, मुझे उसका नाम भी नहीं पता है। उसने 10,000 सिंगापुर डॉलर्स देने का वादा किया, उसने जो कहा मैंने वैसा किया। क्या कहा उसने तुझसे? उसने मुझे बिल्डिंग पेंट करने को कहा और मैंने कर दिया, बस इतना ही। बता, सच बता। बताता हूँ, प्लीज मुझे मारो मत। मुझे उस पेंट के साथ न्यूराटिक एसिड मिक्स करने को कहा था, मुझे नहीं पता था उससे गैस लीक हो जाएगी और बिल्डिंग में इतना बड़ा धमाका होगा। सच में। उसने तुझे पैसे कैसे दिए? उसने एक लिस्ट दी थी और एरिया से कुछ चीजें खरीदने को कहा था, मैंने उसे चीजें खरीद कर दे दी। तब उसने कहा पैसे कचरे के डिब्बे में हैं, मैंने पैसे लिए और मैं भाग गया। मुझे वो लिस्ट चाहिए, मुझे वो लिस्ट दे। शिवा सर, बैठो बैठो। मुझे लगता है उसे कुछ मालूम नहीं है, पर हमेशा की तरह तुमने अच्छी तरह से तहकीकात किया। सर, उसे बिल्डिंग की एग्जैक्ट लोकेशन, गैस लाइन के डायमेंशन सब पता थे, जो ब्लूप्रिंट के बिना मुमकिन नहीं है। ये सोची समझी साजिश है सर, बस इसके पीछे का मकसद समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये टेररिस्ट अटैक तो नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने बहुत ही होशियारी से विस्फोट के सोर्स को छुपाया है, देखने से यही लगता है कि ये एक्सीडेंट होगा। अक्सर ऐसे हमले भीड़ वाली जगह पर होते हैं,
और वो जिम्मेदारी भी लेते हैं। सर, उसके पास ये लिस्ट थी, ये देखिए आपने, ये सब वायरलेस हैकिंग टूल्स हैं धमाका कंट्रोल करने के लिए। ये उसने हमारी कम्युनिटी के एरिया के पास ड्रॉप किया था। जरूर कोई खास वजह है कि उसने हमारे इलाके को टारगेट किया। अच्छा शिवा, कोई सुराग मिलते ही तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है सर। शिवा सर, एक मिनट रुको, यू कैन गो। यस सर। वैसे तो ये रूल्स के खिलाफ है कि मैं ये सब किसी बाहरी व्यक्ति से डिस्कस करूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अरुंधति मोहन सिंगापुर आ रही है, तुम्हें पता है हमें उनका ट्रेवल रूट एक महीना पहले बताया गया था, लेकिन हमारे एरिया में काफी इंडियंस मर गए, इसलिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन्होंने अपना रूट चेंज कर दिया है। यहाँ की सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है, तो सिंगापुर मिनिस्ट्री जाने से पहले वो अपने एरिया में रुकेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस धमाके का उनके दौरे से कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। आपको उन्हें रोकना चाहिए, उनकी जान को खतरा हो सकता है सर। मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है। मैं इस केस से संबंधित पूरी डिटेल्स अपने सीनियर्स को और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी को भेजने वाला हूँ, अब वही इसका फैसला करेंगे। वो कब आने वाली है? कल सुबह 9 बजे। Moving towards exit. Walking to the car. Guru, ma'am is here. Ma'am, welcome to Singapore, ma'am. आप हिंदी चैनल से है ना? Yes, ma'am. तो हिंदी में सवाल पूछिए। आपने एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, आपके हार्ट की सर्जरी भी हो चुकी है और अब आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की विदेश मंत्री बन चुकी है। हमें आप पर बड़ा गर्व है मैडम। यात्रा के बारे में और जानकारी दीजिए। थैंक यू। सिंगापुर और इंडिया के बीच अच्छे कारोबारी संबंध रहे हैं। इंडस्ट्री और कल्चर के अलावा दोनों देश के नेता चाहते हैं कि ये संबंध सामरिक संबंधों के रूप में आगे बढ़े, और इसलिए मैं कुछ एग्रीमेंट साइन करने के लिए यहाँ ही हूँ। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना इन संबंधों से खुश नहीं है। जब कोई कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं तो विरोध होगा। इंडियन कम्युनिटी एरिया में जो एक्सीडेंट हुआ है उस बारे में क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मरने वालों में ज्यादातर जवान लोग शामिल हैं। मैं उनके परिजनों से मिलकर अपना शोक प्रकट करना चाहती हूँ। भारतीय लोग दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर उन्हें जरा सी भी तकलीफ होती है तो हमारी सरकार उनके साथ होगी। खासकर अगर हमारी कम्युनिटी को कोई भी परेशानी हो तो मदद के लिए मैं हमेशा आगे रहूंगी। थैंक यू मैम। ओके मैम। जाने दीजिए। नो चेंज इन इंजन प्लान। उन्हें लगता है कि अगर वो लिटिल इंडिया में विजिट नहीं करेंगी तो कोई गलत संदेश जाएगा। सर, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हैकिंग थ्रेट के चलते हमने रूट के सारे सिग्नल्स और मोबाइल टावर्स जाम कर दिए हैं। हम ट्रैकिंग के लिए सैटेलाइट की मदद भी ले रहे हैं। ओके, कॉपी। एंजल सिक्योरिटी, गोवा सिंगापुर पुलिस, काइंडली अपडेट स्टेटस एंड लोकेशन। एंजल इज ऑन द वे। गुरु। यस मैम। फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा है, जरा देखो तो। मैडम, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, हैकिंग की कोशिश हो सकती है। होटल पहुंचने तक किसी भी तरह का गैजेट यूज नहीं कर सकती। इस तरह की सिक्योरिटी सिंगापुर में एक्सपेक्टेड नहीं थी। शिवा, हम यहाँ क्यों आए? चलना काम पे चलते हैं। आज हमारा काम यहीं पर है। क्या यहाँ कुछ होने वाला है? तो हम भी उसमें हिस्सा लेने वाले क्या? तूने आदमी को पकड़ा और उनको जानकारी दे दी, यहाँ इतनी सारी पुलिस और मिलिट्री है, हमारा यहाँ क्या काम? किसी ने हमारे लोगों को हमारी आंखों के सामने मार दिया। तू चाहता है कि मैं कुछ ना करूं? हाँ बोल। शिवा, मैंने सारी लिस्ट चेक की है, इनसे लॉन्ग रेंज सैटेलाइट को हैक करना बहुत मुश्किल है। तो फिर इसमें से आधी चीजें मेडिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती है। ये शॉर्ट रेंज आइटम्स, जरूर हैकर 100 मीटर के दायरे के अंदर ही होगा। 100 मीटर के अंदर? अरे तो कर क्या रहा है? रुक जा। Angel is walking out. All units alert. Thank you.
सबको मेरा प्रणाम। यहाँ जो दुर्घटना घटी है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने सिंगापुर की सरकार से अपील की है कि इसकी जल्द से जल्द जांच की जाए और पीड़ितों को जल्द से जल्द उनका मुआवजा मिल जाए। हम आप लोगों की हर प्रकार से मदद करने के लिए कटिबद्ध हैं। अरे शिवा, मानवता के आधार पर भारत की सरकार हमेशा भारतीयों के साथ खड़ी रहेगी। चाहे इनसे लॉन्ग रेंज सैटेलाइट को हैक करना बहुत मुश्किल है। इसमें से आधी चीजें मेडिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं। ये है शॉर्ट रेंज आइटम्स। आने वाले दिनों में आपके गुरु, ये क्रिमिनल नहीं है, प्लीज इसे खोल दीजिए। सर, सर ये इसी एरिया का है, मैं इसे अच्छी तरह से पहचानता हूं, मुझे एक बार इससे बात करनी थी। दैट इज अ प्रॉब्लम नाउ। हमें पता है कि कल तुम्हारी इससे बात हुई थी। आई एम सॉरी, आई हैव टू डू दिस। मुझे ऑर्डर है कि सिचुएशन कंट्रोल में करूं। आपको भी डिटेन करना होगा, प्लीज। सुना है कि तुम एक ग्रोसरी स्टोर चलाते हो। निशाना बहुत अच्छा है तुम्हारा। कहां से ट्रेनिंग ली? आईएसआईएस, लश्कर ए तैयबा? सर, आप यहां जितनी देर करेंगे कातिल को भाग जाने के लिए उतना ही वक्त मिलेगा। तुमने मंत्री को मारा है, गन के साथ पकड़े गए हो, और अब कह रहे हो कि कातिल कोई और है। अगले दो मिनट में आपका फोन बजेगा और उसके बाद आप मेरी मदद मांगोगे। डू इट। ऑर्गेनाइजेशन से कब से ये सब प्लान कर रहे हो तुम लोग? जवाब दो। यस डॉक्टर। या यू गो अहेड सर। मैडम इज स्टेबल। हमने बुलेट निकाल दिया, अब वो खतरे से बाहर है। शुक्र है। लेकिन खास बात ये है, लड़के ने उन पर गोली चलाई, वो मारना नहीं बल्कि उन्हें बचाना चाहता था। जरा विस्तार से बताओ। मिनिस्टर मैडम को हार्ट प्रॉब्लम है। पिछले साल उन्हें एक पेसमेकर लगाया गया था और एक खास फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स उस पेसमेकर को मॉनिटर कर सकते हैं। आज हमने जब नया पेसमेकर लगाया तो पुराने डेटा को एनालाइज किया। नॉर्मली हार्ट की स्पीड 70 से 100 के बीच होती है, लेकिन जब उन्हें गोली मारी गई तब उनकी हार्ट रेट 200 से ऊपर थी। किसी ने उनका पेसमेकर हैक किया था। Is it possible? पेसमेकर हैक किया जा सकता है? सर, 2010 में जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को धमकी मिली थी ना, तब उन्होंने उनके पेसमेकर का वायरलेस कंट्रोल ऑफ कर दिया था। Oh. So it's very much possible. जिसने मिनिस्टर के ऊपर गोली चलाई उसे कुछ ऐसा मालूम है जो हम नहीं जानते। उसने सटीक निशाना लगाया सीधा पेसमेकर के ऊपर। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि तुम हमारी मदद करना चाहते थे। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा क्या? एक ग्लास पानी चाहिए। हम
आपने मिनिस्टर के लिए जो पहला रूट तय किया था वही ज्यादा सेफ था। वहां हमला करना आसान नहीं होता, लेकिन उनका उनका रूट बदलवाने के लिए उन्होंने हमारी कम्युनिटी पर गैस लीक करके ब्लास्ट करवाया। मैं जानता था कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने गोली चला दी। लेकिन इस सब के बीच एक जरूरी सुराग मिला। इस वक्त वो कहां होगा इस बात का मैंने पता लगा लिया है। मैं सुन रहा हूं। पहले चाय। मेरे एक हैकर दोस्त ने बताया कि इक्विपमेंट की रेंज सिर्फ 100 मीटर है। इसका मतलब है कि उसने मिनिस्टर का पेसमेकर 100 मीटर के दायरे से हैक किया है। शायद वो उस जगह में रहता भी होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है पीछे जो ग्रैंड होटल है वो वहीं से ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि उस होटल की 11वीं मंजिल तक ही वायर्स है। 12वीं मंजिल के बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। होटल का लेआउट ठीक से देखो तो राइट विंग के आखिरी 3 कमरों में से एक हो सकता है। अगर अभी गए तो उसे पकड़ सकते हैं। तुम्हें यह सब मजाक लगता है? तुम्हें लगता है कि वो हमारा अभी वहां वेट कर रहा होगा? अचानक उसका सिग्नल कट कैसे हो गया? इस वक्त यही सोच रहा होगा। किसी को उस पर शक ना हो इसलिए होटल नहीं छोड़ेगा, टूरिस्ट की तरह पेश आएगा और कल चेकआउट करेगा। मैं होता तो यही करता। गुरु सर अपनी टीम देकर। यस सर। पांच आदमी ऊपर की तरफ आ रहे हैं, मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम से है। मैं भाग नहीं सकता और भागूंगा भी नहीं। इतना बड़ा मिशन मेरी वजह से फेल हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया है। इस सब का पता लगाने वाले ऑफिसर को मैं मिलना चाहता हूं। प्लान बी इनिशिएट करो। 1201 क्लियर, 1202 क्लियर। प्लीज एंथनी बैक, अप्रोचिंग सस्पेक्ट, मूव। ये तो आपके फोटोग्राफ्स हैं सर। Suspect confirmed. I repeat, suspect confirmed. Room number 1203. All evidence found. Shifting to police headquarters. Shiva. Meera, ठीक तो है ना? बस 6 महीने पहले तुम्हारी उससे शादी हुई है। It's better you don't open your mouth. आज मंडे है और इस वक्त इसकी बेबी IIT कंपनी के फूड कोर्ट में खाना खा रही है। भीड़ भाड़ वाली जगह है तो वहां तो कुछ भी हो सकता है। ए, अगर मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो एनकाउंटर कर दूंगा और कह दूंगा कि भाग रहा था। तुम्हारी 6 साल की बेटी, अगर वो स्विमिंग पूल में डूब कर मर जाए तो वो भी एनकाउंटर लगेगा क्या? किसी को कोई शक भी नहीं होगा। अगर मैं इतना फुल प्रूफ प्लान बना सकता हूं तो क्या लगता है कि मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम की कोई जानकारी नहीं होगी मेरे पास? पता है कितने महीनों से मैं ये प्लान कर रहा हूं? मेरे आदमी हर लोकेशन पर मौजूद हैं। अगर उन्हें मेरा मैसेज नहीं मिला तो सबकी फैमिली से किसी ना किसी की जान जरूर जाएगी। फिर हो सकता है उस बैंक एम्प्लॉय की बीवी हो, या फिर हो सकता है कि ड्राइवर शर्मा की माँ हो जो हाल फिलहाल ओल्ड एज होम में रहती है। आज की शाम सबकी मौत तय है, लेकिन तुम डरो मत क्योंकि अपनों को बचाने का मौका है तुम्हारे पास। यहाँ से ठीक 800 मीटर आगे एक टनल आएगा, वहाँ मेरा एक आदमी बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहनकर तैयार है। बस मेरी जगह उसे ले जाओ। तुम 6 लोगों के सिवाय किसी और को कुछ पता नहीं चलेगा। सिंपल। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स का वक्त है। एक बार टनल पार कर लिया फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। चीफ, माय वाइफ। स्टॉप द व्हीकल। भरत, स्टॉप द कार। गुड डिसीजन चीफ।
हमेशा की तरह टेररिस्ट अटैक बोल के केस क्लोज कर देना। बस एक सवाल का जवाब चाहिए। इतने फुल प्रूफ प्लान के बावजूद तुमने मुझे होटल के रूम से कैसे खोज निकाला? क्या इसके पीछे सिंगापुर पुलिस का दिमाग है? ओह, या तुम्हारे जैसा कोई इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर? तो कौन है वो? लिटिल इंडिया में ग्रोसरी स्टोर चलाता है। ग्रोसरी स्टोर चलाता है? चार लोगों के पासपोर्ट नहीं मिले हैं, उनमें से दो के एक्सपायर हो चुके हैं। हम बॉडी कैसे हैंडओवर कर सकते हैं? प्रॉब्लम हो जाएगी सर, प्लीज। सर, मरा हुआ आदमी क्या प्रॉब्लम पैदा करने वाला? वहाँ गांव में उनके घर वाले परेशान बैठे हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं ला कर देता हूँ सर, आप प्लीज उनकी बॉडीज रिलीज कर। मैं रिलीज कर भी दूं तो वो उन्हें एयरपोर्ट पर रोकेंगे। बॉडी के साथ डिस्को डांस थोड़े ने करना है। मुंह संभाल के बात। शिवा, चल, चल ना यार। कैसे बात कर रहा था वो? बस यहाँ से वहाँ भगा रहा है हमें। हम यहाँ मेहनत की रोटी कमाने आए, चैन से जीने नहीं देते। कम से कम चैन से मरने तो दे। देख, उम्मीद मत छोड़ना यार, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर मूर्ति सर से बात करते हैं। अभी अभी एक बड़ी खबर आई है कि अलकायदा का टेररिस्ट राशिद खान को मोहन पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सुन रहे थे, कितना बड़ा काम किया। अगर तू नहीं होता तो सोची समझी साजिश के तहत ये कभी पकड़ा नहीं जाता। अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और बाकी की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिलेगी। हारने के बाद भी अगर तुम्हें इनाम मिला तो तुम्हारी जीतने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अपना इनाम हमेशा जीत कर हासिल करो। आने से पहले मैं तुम्हारे पापा रिस्क रामालिंगम से मिला। उन्होंने इस चॉकलेट का बिल दिया था मुझे। 25 सालों में कितना कुछ बदल चुका है, लेकिन तुम्हारे पापा वैसे ही हैं। ये चॉकलेट भी बिल्कुल वैसा ही है। अब तक मैंने 53 हाई प्रोफाइल असाइनमेंट्स को अंजाम दिया है। किसी को किसी बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन किसी ने मुझे होटल के रूम से ढूंढ निकाला और पुलिस की वैन तक पहुंचा दिया। दरअसल मैं उस जीनियस तक पहुंचकर उसे शूट करना चाहता था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो तुम हो गए। हमने एक साथ जो आखिरी दिन बिताया था, याद है तुम्हें? दिन बिताया था वो दिन भी आज ही की तरह था। हम ऐसे ही पुलिस स्टेशन में बैठे थे। लॉकअप के अंदर 5 लोग थे, एक राइटर, 2 सब इंस्पेक्टर। स्टेशन क्लॉक में वक्त 5:45 था। तुमने लाल रंग की टी शर्ट और ब्लैक स्वेटर पहना था। तुम्हारी बाएं जूते की लेस निकली हुई थी। मुझे लगा कि ग्रोसरी शॉप में काम करके तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया होगा। नॉट बैड। तुम्हें तो हर बात याद है, लेकिन तुम उस शतरंज की चालों में इतने मशरूफ थे इसलिए तुमसे एक जरूरी बात छूट गई। और मैं हमेशा ही तुम्हें ये बात खुद ही बताना चाहता था, पता है? अब कोई चाल नहीं बची। चेकमेट। राजीव, डैड बुला रहे, मैं अभी आता हूं। ये सब क्या है? डैड, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था। डैड, आपने मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में सिखाया था ना, बहुत आसान है वो। चारिंग क्रॉस रोड पर एक जगह है, वहाँ पर कुछ नया बना है जिसे एटीएम कहते हैं, और जब लोग उस एटीएम में से पैसे निकालते हैं तो कांच में रिफ्लेक्शन में उनका पिन नंबर दिखता है। 30 पिन नंबर 30 मिनट में। मैंने 1 घंटे में 100 पिन नंबर याद कर लिए थे। फिर मैंने आपकी सिखाई हुई ट्रिक्स इस्तेमाल करके उनका पीछा किया और उनके पर्स चुरा लिए। You rascal! मैंने ये सब सिखाया ताकि तुम क्रिमिनल बन जाओ। मैं तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। मैंने इस दिन के लिए तुम्हें ट्रेनिंग दी थी। पुलिस स्टेशन फोन करूंगा। डैड, रुकिए ना, पुलिस को फोन क्यों कर रहे हैं? मैंने कितने सारे पैसे कमाए चॉकलेट देने की बजाय, पुलिस को फोन कर रहे हैं। यू आर अ क्रिमिनल रास्कल। डैड, पुलिस को मत बुलाइए ना प्लीज। यही जब शिवा करता है तो वो जीनियस, और मैं करता हूँ तो क्रिमिनल। यू आर अ क्रिमिनल। और बुरा तो ये है तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं हो रहा। डैड, पुलिस को फोन मत करिए। डैड, डैड मुझे उन पैसों की जरूरत है। डैड, मेरी बात सुनिए। I'm going to call the police. मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, डैड, पुलिस को मत बुलाइए। Oh!
मैंने बोला था आपको, बोला था ना कि पुलिस को कॉल मत करो। आपका बेटा जीनियस ये नहीं मानेंगे, लेकिन जब पड़ोस का बेटा करे तो वेल डन शिवा, वेरी गुड शिवा। मुझे उससे कम समझते ना आप। बट इज वेरी नेचुरल। मैंने मेरे बेटे को जो सालों से सिखाया था उसने दो महीनों में सीख लिया। अगर वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन करेगा तो मेरे बेटे से भी ऊपर का होता पाएगा। ही इज वेरी टैलेंटेड। 5 लाख रुपए, क्या वो कभी इतने पैसे कमा पाएगा? जाकर पूछे उससे। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो वो वहां क्या देखती है? अपना दोस्त मानता था, तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम में आज भी वही ईगो है और उसी ईगो की वजह से तुमने अपने पिता को मार दिया। लेकिन अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। वो लोग जो मरे वो मेरे भाई जैसे थे, बेवजह मार दिया तुमने उन्हें। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। देखते जाओ क्या क्या होता है। मैं और जेल के अंदर? ब्रदर, पुलिस ने ही मुझे तुम तक पहुंचाया है और मुझे लिफ्ट भी उन्होंने ही दी थी। जब हम छोटे थे तब तुम हमेशा जीतते थे, लेकिन आज तुम्हें ग्रोसरी स्टोर चलाते हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूँ। आज मैं ये तय करता हूँ कि आने वाले दिनों में कौन इस दुनिया में जिएगा और कौन इस दुनिया से चला जाएगा। माना कि मैं दुकान चलाता हूँ, पर तुम आज भी मुझसे हार गए। आज भी बीते कल में खोए हो तुम। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये असली दुनिया है और इस दुनिया में मैं तुमसे 100 कदम आगे हूँ। चाहो तो तुम्हें साबित करके दिखाऊं। तुम बस अपने भाइयों के बारे में ही बातें करते रहो, लेकिन उनकी मौत महज एक एक्सीडेंट थी जो मेरे असाइनमेंट के दौरान ही हुई थी। लेकिन अब मैं उन्हें प्लान करके मौत की घाट उतार दूंगा। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, 6 बजे से पहले यह साबित कर दूंगा, इसे सिंगापुर के अंदर, वो भी तुम्हारी कम्युनिटी के बीच, तुम्हारे ही किसी करीबी को मार दूंगा। उससे पहले यह देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। हो सके तो मुझे रोक कर दिखाओ। बोलो, रोक पाओगे मुझे? This mission is a failure, we understand. But most importantly, our involvement should not be as this. I want to call for a vote. Who want to kill him? Hi. 请享用食物,如果需要其他辣的或者其他食料, 请告诉我。 Okay, thank you. 对不起，我稍后回来。
अरे मुझे कहा दुकान बंद कर और खुद गायब हो गया। ये तेरा 25 साल पुराना कौन दोस्त है? अरे कुछ तो बोल। बहुत बड़ा गेम है। कैसा गेम? एक काम कर, वो नोटपैड उठा और एक लिस्ट बना, मैं उनके नाम बताता हूँ जो मेरे करीबी हैं। हाँ, बोल। बाबू। मेरा नाम सबसे पहले? तेरे सिवा कोई है क्या मेरा? थैंक्स बड़ी। लेकिन ये लिस्ट क्यों बना रहा है? कुछ नहीं यार, उसके साथ एक छोटा सा गेम खेल रहा हूँ। अच्छा। उसने चैलेंज किया है कि लिस्ट में जिनके नाम है उन्हें वो मार देगा। क्या कहा? मार देगा? अबे तुम दोनों की लड़ाई में या तो तू उसे मार देगा या वो तुझे मार देगा, इसमें औरों को प्यादा क्यों बना रहा है? जब तक ये लफड़ा नहीं सुलझ जाता मैं मौसी के पास जा रहा हूँ इंडिया। ए, मुझसे दूर जाएगा तो खतरा है, मेरे साथ रहेगा तो सेफ है। डिसाइड कर ले क्या करना है। अगर मैं वहां से गया तो मुझे टिकट के पैसे नहीं देगा। माना कि मैं तेरे साथ रहूंगा तो सेफ रहूंगा, लेकिन बाकियों के जान का क्या? उसने 6 बजे तक का वक्त दिया है, लेकिन मैं सब लोगों को 5 बजने से पहले एक जगह इकट्ठा कर लूंगा। तुझे ये सब आसान लगता है क्या? पहले ये लिस्ट पूरी कर लेना। नंबर 2 पापा, नंबर 3 अस्मिता, नंबर 4 रमेश भाई। टोटल 230 लोग हो गए, 190 अपनी कम्युनिटी के हैं और 30 लोग शहर के बाहर रहते हैं। इन सबको प्रोटेक्ट कैसे करेगा तू? बताता हूँ। हाय शिवा। हाय अस्मिता। हम मिल सकते हैं क्या? कब मिलना है? मैं 4 बजे लेने आता हूँ, बाय। सही है, रोमांटिक इवनिंग का प्लान है। हे, तू पागल हो गया क्या? सगाई का इनविटेशन पर्सनली मिलकर देते हैं ना। किसकी सगाई हो रही है? मेरी और अस्मिता की। क्या बात कर रहा है तू? सरप्राइज प्रपोजल ब्रो, आजकल इसी का ट्रेंड चल रहा है। तू एक काम कर, लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन्हें फोन करके आने को बोल दे, जो हाँ करे उनके नाम के आगे टिक कर दे। किसकी लिस्ट बन रही है? पापा। अरे अंकल, लिस्ट में आपका नाम दूसरा है। लिस्ट में दूसरा नाम? कोई लकी ड्रॉ है क्या? हाँ ऐसा ही कुछ है। आप जीते तो मैं लकी, मैं जीता तो आप लकी। लगता है तेरी रात की उतरी नहीं है, मैं तुझे जीतने दूंगा तब ना। लिस्ट में पहला नाम किसका है? मेरा। मैं तुझसे बड़ा हूँ, सीनियोरिटी भी कुछ है, मेरा नाम पहले होना चाहिए। अरे लिखना, डाल दो इनका नाम। क्या तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम चुप रहो। अरे पापा सुनिए तो। मानते हो तुम्हारा बाप नंबर वन है? मैं इसे जीतने नहीं दूंगा, तुम बीच में मत आओ। मैंने इसे कह दिया तूने, मैं नंबर वन हूं, सुन तो लीजिए। मैंने कह दिया मैं ही नंबर वन हूं। अस्मिता से सगाई कर रहा हूं, ये मेरा फैसला। तू आज अस्मिता से सगाई करने वाला है? लंच के बाद मेरी आंख लग गई और तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया, ऐसी क्या जल्दी थी? पापा वो अगर आप कहते हैं तो कैंसिल कर देता हूँ। वो हॉल वाले को बोल पैसे रिफंड कर दे। मेरा वो मतलब नहीं था। पापा आपकी इजाजत नहीं है तो इधर देना, ये जो कहेगा उसे नहीं करना है। देख बेटा, तूने अगर पहले बताया होता तो मैं तैयारी कर लेता, अचानक बताया ना इसीलिए। बेटा तेरी सगाई में मुझसे ज्यादा खुशी भला और किसे होगी? अपने शिवा की सगाई है, आपको आना ही होगा। सीजर होटल में ना? मैं बड़ा सा केक लेके आऊंगा, वो 17th फ्लोर पे है ना? वो तो पुलिस स्टेशन गई हुई है। सरप्राइज है क्या? वही सोच रहा था कि रामलिंगम ने बताया क्यों नहीं। मन अचरज से है भरा, क्यों अब तक रहे गुमसुम, रहे गुमसुम, रहे गुमसुम, रहे गुमसुम। उसके दिल की हर धड़कन कब से बन गई तुम, बन गई तुम, बन गई तुम, बन गई तुम। स्वर्गों में बनी जोड़ी मिल रहे हैं चोरी चोरी, नैन मिले चैन गया, दिल से दिल का दिल में हुआ घर। आई है हल्दी की रसम, डूबा है खुशियों में आलम, ढोल नगाड़े बजे धम धम, आया मिलन का है मौसम। आई है हल्दी की रसम, डूबा है खुशियों में आलम, ढोल नगाड़े बजे धम धम, आया मिलन का है मौसम।
बंधन की है ये रे, त्योहार हो जैसे रे, कर देगा तेरा बुरा हाल, प्रेम का रोग है सारे। तेरा प्यार है मेरा ईश्वर, तुम बिना कोई है मेरी गुजर, रिश्ता पावन मधुर मधुर, चंदन में खुशबू छुपी जैसे रे। आज फूल भी है चकित, आज मन भी है अंकुरित, नैन सब मिल प्रसन्न है, दिल धड़क धड़क मिल रहे दो दिल। आप चिंता मत कीजिए, वो उसे ढूंढ निकाले। कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? पिंकी गायब है। आपने तो कहा कि वो स्कूल की पिकनिक पे गई। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन निकलने से पहले ही उसकी स्कूल टीचर का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। स्कूल से कॉल आया था, उन्होंने कहा कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जा चुके हैं, और कहा कि पिंकी अपने अंकल के साथ चली गई। फिर अंकल को कॉल कीजिए ना। सिंगापुर में हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, पिंकी का कोई अंकल नहीं है। आप देखिए, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी। आपकी एंगेजमेंट हो गई क्या? आपके कारण हमें पनिशमेंट मिल गई, हमारी पिकनिक कैंसिल हो गई। पिंकी, कहाँ हो तुम? क्यों, आपको नहीं पता आपके दोस्त मुझे यहाँ लाए हैं, बात करेंगे। पिस्ता फ्लेवर तुम्हें बहुत पसंद है ना? बात कीजिए। कांग्रेचुलेशन शिवा। सुना है तुम्हारी सगाई हो रही है। एक छोटा सा चैलेंज जीतने के लिए इतनी बड़ी रिस्क ले ली तुमने। वैसे भी मुझे क्या करना है वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तुमने सारे लोगों को वहाँ इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन इस छोटी सी बच्ची को भूल गए। बाहर झांक कर देखो। वो देख पिंकी। अब जरा ऊपर की तरफ। अगले 30 सेकंड्स में जब स्विच पर टच करेगी तो 4 टन का बोझ सीधे नीचे आएगा। सिर्फ पिंकी ही नहीं, 5 मीटर के दायरे में जो भी जिंदा इंसान होगा वो बच नहीं पाएगा। शिवा, क्रेन हिल रही है। हादसा बहुत दर्दनाक होगा ना? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बचपन का खेल नहीं है। गुड बाय शिवा, तुम हार गए। मैं जीत गया। कुछ कर, क्रेन हिल रही है। मुझसे 100 कदम आगे हो तो इतनी कच्ची चाल कैसे चल गए? कुछ 230 करीबी लोग हैं मेरे, जानता था तुम उनमें से किसी एक को आराम से पकड़ लोगे, इसीलिए तुम्हारे किसी करीबी को मैंने पकड़ा है। मेरे ना कोई आगे ना पीछे, कोई रोने वाला नहीं है, नो इमोशंस। ये झूठ दुनिया को बताना राजीव। जब फ्लाइट से आए तो अलग अलग टिकट्स खरीदे, अलग अलग सीट पर बैठे, होटल में मिले तो ऐसे दिखाया जैसे कोइंसिडेंस था। तुम उसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हो ना, पर ऐसा हुआ नहीं। वाओ। ओह हाय। अनीशा राजीव तुम्हारी पत्नी है, उसके पेट में जो बच्चा है वो भी तुम्हारा है। अगर उन दोनों जिंदा देखना है तो पिंकी को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। स्टॉप द क्रेन, स्टॉप द क्रेन, स्टॉप द क्रेन, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। लेकिन अनीशा का नाम सुनते इतने इमोशनल हो गए। तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है अनीशा कहाँ है। तुम्हें लगा मेरे करीबी लोगों को मारने का चैलेंज दोगे और मैं सिर्फ दुकान में बैठकर सामान पैक करूंगा? तुम्हें पता था पुलिस आ रही है, फिर भी तुम वहीं रुके रहे और उन्हें तुम्हें पकड़ने दिया। तुम्हें पता है कि मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। जब मुझे पता है कि कोई मेरा दुश्मन है तो मुझे पता करना होता है कि वो कौन है। बैठ जाओ। जैसा मैंने सोचा था वो कोई स्मार्ट पुलिस वाला तो नहीं है, एक पुराना दुश्मन है। आज रात तुम यहां से निकल जाओ अनीशा। यह है तुम्हारे फ्लाइट टिकट्स और तुम्हारे लिए नया पासपोर्ट। नहीं राजीव, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं अनीशा, इस वक्त मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। तुम्हें पता है ना कि अगर कुछ खास बात होगी तभी तो मैं इतना बोल रहा हूँ। हमेशा की तरह
जब तक हम फिर से ना मिले एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। कौन है? कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स मैम। राजीव ने कहा कोई पुरानी दुश्मनी है, तभी मैं समझ गई थी। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम्हारा और राजीव का क्या रिश्ता है? वो नहीं चाहता कि किसी भी जिंदा इंसान को ये बात पता चले। मेरी चेतावनी मरते दम तक याद रखना। ये रखो पूरे साल की स्कूल फीस। नहीं राजीव, अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो? अनीशा, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पैसा मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मेरे अंकल पूछेंगे कि फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से आए तो मैं क्या कहूँगी? कुछ भी कह देना, तुम्हारी फ्रेंड ने दिए या तुमने किसी कॉम्पिटिशन में जीते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक्स। ए राजीव, वहाँ क्या कर रहा है? बारिश होने वाली है, चल चलते हैं। अच्छा अब तुम जाओ, हम कल मिलेंगे, ठीक है? वो बेचारी बिल्कुल अकेली है, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था। इस खेल का दांव 50,000 होगा। मामा। अरे बेटा तुम जल्दी आ गई, जाओ 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 जाओ, तुम्हारे लिए कॉफी रखी है। ए, क्या है? हाँ? नजर पत्तों पर रख। फिर से पीटर जीत गया। है या ठंडा हो जा तू, अब क्या बोलता है? ए पीटर, तेरा उधार अब 2.5 लाख हो गया है। अगर मेरा पैसा 2 दिन के अंदर नहीं मिला तो सोच लेना। ए चलो रे पीटर, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची और तुम उन लोगों के साथ जुआ खेलते हो। अगर तुमने पैसे वापस नहीं किया तो वे तुम्हें मार डालेंगे। कमलेश भाई के साथ उन्होंने क्या किया तुम भूल गए क्या? देखो विनोद, पिछले साल तक मैं जीत रहा था ना। हाँ, 3 महीने से जरा मेरा बैड लक चल रहा है। विनोद बस एक दाव खेलने दो ना, बस एक दाव में सब जीत लूंगा। खेलने के लिए बचा क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारी हालत वो अच्छे से जानते हैं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, वो खेलने क्यों आएंगे? विनोद, उन्हें सिर्फ एक बार खेलने के लिए बुला। देख कल 4 तारीख है, 4 मेरा लकी नंबर है। पर पीटर, सारा नुकसान कवर हो जाएगा। छोटा दांव खेलोगे तो हारे हुए पैसे नहीं जीत पाओगे, अगर बड़ा दांव खेलोगे तो शायद कुछ फायदा हो जाए। दोनों की नजर तुम्हारी भांजी पे है, कहो तो कल उन्हें बुला लेता हूँ। ज़बान खींच लूँगा। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, तुम्हें खुद की जीत पे भरोसा है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तुम बस अपनी भांजी को मना लो तो वो खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे वो छोटी बच्ची है। ठीक है फिर, रहने दो, मैं चलता हूँ। आप ऐसे लोगों को अपने घर में क्यों बुलाते हैं मामा? ए, चुप रहो। वो मेरे बारे में क्या क्या कह रहा था और आप चुपचाप सुन रहे थे? आपको जुआ खेलने की इतनी आदत लग चुकी है? ए, चुप करो, यहाँ आओ। ए, आओ ना, मुझ पर भरोसा रखो, आओ बैठो। देखो इसमें रोने जैसा कुछ नहीं है, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों से मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा है कि नहीं? हा? तुम्हारी स्कूल की फीस भरी, तुम्हारे लिए नया यूनिफॉर्म खरीदा, नया हेयर ड्रायर खरीदा और स्कूल बैग, जूते, परफ्यूम, ये सब नहीं लाया क्या? लेकिन पिछले 3 महीनों से मेरा बैड लक चल रहा है। 1 महीने आप मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, लेकिन अगले ही महीने मेरी स्कूल की फीस भी नहीं दे पाते। मामा ऐसा मत कीजिए, आपकी इस जुए की आदत से अब मुझे डर लगने लगा है। डरने की कोई बात नहीं, तुम तो अब लोगों की तरह बोलने लगी हो। ये सिर्फ एक खेल है, इट्स मैथमेटिक्स। जिसे मैथमेटिक्स समझ में आता है वही जीतता है, और जिसे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता वो लोग इसे जुआ कहते हैं। देखो ना, अभी अभी हमने जो गेम खेला था ना अभी यहाँ पर, इसमें अगर ये वाला पत्ता नहीं निकलता तो पता है क्या होता है? सारा पैसा मैं जीत जाता, फिर तुम्हें राजकुमारी की तरह रखता। हाँ, पर कल मैं ही जीतूंगा कल। हाँ देख लेना। अब तो वो लोग घर पर ही जुआ खेलने लग गए। तुम अपनी क्लास में जाओ, ये मुझ पर छोड़ दो। मुझे घर जाने से बहुत डर लगता है राजीव। मत रो अनीशा। देखिए ना मामा, मैंने सारा घर साफ करके रख। क्या हुआ मामा? तुम्हारे मामा का बहुत बुरा वक्त चल रहा है बेटा। 52 पत्तों में से जो एक पत्ता मैं नहीं चाहता था वही पत्ता बार 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 आ रहा था। बस एक बार अपने मामा की जान बचा लो बेटा।
पीटर क्या कर रहे हो तुम? इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? ये कोई छोटी बच्ची है क्या? हाँ जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे माफ कर दे, दरवाजा बंद कर दे। घबराओ नहीं अनिशा, अरे कुछ नहीं होगा। देख तो कौन है, छोड़ दो मुझे। कौन है तू? अनिशा है क्या? मैं उसे ले जाने आया हूँ। क्या कहा, ले जाने आया है? तू कौन होता है? अरे शांत हो जाओ, हट जाओ। कौन है तू? हाथ लगा उसे। क्या बोला? हिम्मत है तो मेरे सामने छू के दिखा। अरे बाप रे, तू कोई दादा है? हाथ लगा के दिखा, छू कर दिखा। ए संतोष, अब तेरी छूने की बारी है, चल छू के दिखा। डर गए क्या? मैं इसे पैसे देकर तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे अंकल ने सारी हदें पार कर दी। अब तुम ही बताओ, मार डालू इन्हें? क्या कर रहा है? बताओ निशा, मार डालू क्या इसे? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, एक मैं ही तो तुम्हारी देखभाल करता हूँ बेटा। अनिशा, इसकी बात तुम्हें बताना, इस हराम को ने तुझे दाव पर लगाया था, जरा सोच के देख। ए लड़के, खत्म कर दू इसे, मार डालू इसे। मैं जानता था वो मुझे कभी नहीं मरने देगी, उसकी माँ और बाप दोनों मैं हूँ, मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो तो मेरा बैड लक चल रहा था ना, इसलिए मैंने इसे दाव पर लगा दिया। अब जब मैं जीत जाऊंगा मैं इसका ख्याल रखूंगा, तुम नहीं रखोगे? बताओ इसे, बताओ इसे बेटा। बेटा ऐसा मत करो बेटा, मैं मामा हूँ तुम्हारा। मुझे सिर्फ ये दबाना है ना। हाँ, लेकिन गन टाइट पकड़ रखना। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? नहीं नहीं ऐसा मत करना, देखो ऐसा मत करना प्लीज। इसके बाद हम मुंबई आ गए, वहाँ से कोलकाता और फिर दुबई। हमने बहुत सारा पैसा कमाया। तुमने न्यूज में उन चोरियों और मर्डर्स के बारे में सुना भी होगा, उनमें से काफी मर्डर्स में हमारा ही हाथ था। लेकिन कुछ समय बाद हमने ये सब कुछ बंद कर दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ए क्या कर रहे हो, स्टॉप इट, बैठो। हमें एक बड़ा असाइनमेंट मिला है, बहुत बड़ा असाइनमेंट। अनिशा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जिस दिन मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो, मैंने ये सब छोड़ने का फैसला किया था। देखो, इतने सालों से मुझे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है, बस एक आखिरी बार सोचो कि तुम ये अंकिता के लिए कर रहे हो। ये मैं आशीष के लिए करूँगा। ये सिंगापुर वाला मिशन राजीव का आखिरी मिशन है, लेकिन ये उसकी पहली नाकामयाबी भी है। जब से उसे पता चला है कि तुम उसके पीछे हो, तब से वो तुम्हें खत्म करने के बारे में सोच रहा है। और अब तो तुम मुझे भी चाकू दिखाकर धमका रहे हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे तो बस यही जानना था कि राजीव तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता है। अनिशा कहां है? कहां है अनिशा? देख शिवा, अनिशा को छोड़ दे वरना बहुत पछताएगा तू। बाहर आ जा। तुम्हारी नजर मेरी रानी पर है, अब तुम चाल चलो। देखो शिवा, कितनी भी कोशिश कर लो मेरी रानी को छू नहीं पाओगे। पहले पिंकी को छोड़ दे। अब अनिशा को भी छोड़ दे। मैं इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मैं इसे ऐसे जाने भी नहीं दूंगा। तुम दोनों अपने इस बच्चे की इतनी फिक्र कर रहे हैं जो अब तक पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे 11 भाई मारे गए, उनका भी कोई बाप है, उनकी भी कोई माँ है, उनके बच्चे। मैं सिर्फ इतना ही जानता था ये तुम्हारी बीवी है, पर तुम्हारी पार्टनर भी है ये नहीं पता था। इसके लैपटॉप से तुम्हारे सारे असाइनमेंट के डिटेल्स मुझे मिल गए, वो सारे सबूत बताते हैं कि ये हर वक्त तुम्हारे साथ थी। इसके 6 नकली पासपोर्ट्स, वो भी मेरे पास है। अगर ये एविडेंस मैंने इंटरपोल को दे दिया तो तुम दोनों अंदर जाओगे।
तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है राजीव, और इसी गुस्से की वजह से बेवकूफियां करते हो। यू आर एन इमोशनली अनस्टेबल पर्सन। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुमसे लड़ने में नहीं बिताना चाहता। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बचाने का एक मौका देता हूं। अगर मेरी बात मान ली तो मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सुन रहा हूं, बताओ। मेरे वो भाई जिन्हें तुमने मारा है उसकी जिम्मेदारी ले लो और आज ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अनीशा के लिए जो टिकट बुक किया है मैं उस टिकट से उसे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन इस बीच अगर तुमने कोई और बखेड़ा खड़ा कर दिया तो सारा एविडेंस इंटरपोल को दे दूंगा। अनीशा को यहां से सेफली बाहर निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी। आई प्रॉमिस। जाने से पहले क्या मैं मेरी बीवी से बात कर सकता हूं? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा राजीव। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, उसे छोड़ना मत। अब जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है अनीशा। इस सबसे निकलने के हजार तरीके मुझे पता है, लेकिन फिलहाल ये जरूरी है कि तुम और हमारा बच्चा सही सलामत यहां से निकले। तुम बस थोड़ी हिम्मत रखो। अंकिता के लिए तुम्हें यह करना होगा। मैं आशीष के लिए करूंगी।先生，告诉警察他自首了。What？ 他不是自己一个人，他身旁还有一位女孩，我自己看到。Who's the girl？ 我想 girlfriend。This mission is disaster. Kill her. Okay, sir.What the hell? Freeze! Freeze! Do not move! Stay there! Hands on your back! Stay still! Do not move! Suspect look like a high value terrorist. Shifting to Changi prison.由于这一事件，一些航班被取消，
तुम्हारा कोई करीबी मेरे कब्जे में है। अनीशा का नाम सुनते ही इमोशनल क्यों हो गए? सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बीवी है, पर वो तो तुम्हारी पार्टनर भी है। मेरे भाइयों को मारा है तुमने, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। तुम्हें लगता है तुम मेरे करीबियों को मारने की धमकी दोगे और मैं दुकान में सामान पैक करूंगा? अब तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में सड़ोगे। What is happening to you? Doctor! It's an emergency! Please help him! Yes! Hurry up! Please! Take him to hospital! Surgeon! Where? Surgeon! Where? Surgeon! Where? Surgeon! Where? Surgeon! Where? What the hell? Oh my God. Sending your company $1 million in bitcoins. एक जॉब है तुम्हारे लिए। Hey अस्मिता, boomerang शूट करके इंस्टा पे डालते हैं। Okay. ये वाला पोस्ट करते हैं। हाँ। ये ट्रेंड करना लोगों ने 2 साल पहले बंद कर दिया। उन्होंने मार डाला। देख, उसकी बीवी। क्या हुआ? किसी ने उसकी बीवी को मार डाला। किसकी बीवी को? अब देखना वो गुफा के अंदर जाएगा। सुनिए जी, आपका फोन बज रहा है, देखिए किसका है। आ रहा हूँ। पता नहीं किसका कॉल है। हाँ बोलो शिवा। अंकल इसी वक्त मेरे घर जाइए, पापा का सामान बांधकर उन्हें एयरपोर्ट ले आइए। जल्दी कीजिए, मैं प्राइवेट जेट का इंतजाम करता हूँ। लेकिन हुआ क्या है? वो भी डर जाएंगे, ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। उन्हें कुछ मत बताइएगा, कह दीजिए मैंने उन्हें बुलाया है। उनकी जान को खतरा है, जरा जल्दी कीजिए अंकल। हाँ हाँ मैं अभी निकलता हूँ। अब हम कहाँ जा रहे हैं? राजीव इस वक्त गुस्से से बेकाबू हो गया होगा। मुझे तुम दोनों को और पापा को कहीं दूर भेजना होगा। बोलो, हमारा निशाना चूक गया है। मुझे पता था कि वो बच निकलेगा। अगली लोकेशन पर पहुंचो। Stop there. Hello. There is a police autopsy going on. I am talking to you. Thank you.
इतने कम टाइम में भला कोई निकल सकता है क्या? मुझे पता है कोई जरूरी काम नहीं होगा, जैसे पहले सरप्राइज दिया था ना, हाँ, तो ऐसा ही कोई सरप्राइज होगा। जल्दी करो। Load up, pack and move. हाँ अंकल, बोलिए। शिवा, मैं और तुम्हारे पापा रेडी हैं, लेकिन सामने वाले गेट पर कोई वैन आई है, उसमें करीब 8 लोग हैं, उन्होंने मुंह पे मास्क लगा रखा है, उनके हाथ में गन्स हैं। अंकल, पापा को लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाइए, जल्दी कीजिए। हाँ, ठीक है। अंकल रुकिए, मेरी बात सुनिए, एक काम कीजिए, 4 नंबर रैक के पास हरे रंग के पेंट की बाल्टी है, उसे ढूंढिए। हाँ, मिल गई मिल गई, अब क्या करूं? दुकान के एंट्रेंस पर वो सारा रंग फैला दीजिए, जल्दी कीजिए। पर ऐसा करने से होगा क्या? जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। राम भाई। हाँ बोलो। चलो निकलते हैं। हाँ। गाड़ी पीछे की तरफ खड़ी है, हम वहां से बाहर अच्छा, निकलेंगे। ठीक है। हाँ, हम लोग निकल चुके हैं, 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है अंकल। हाँ ठीक है, रखता हूँ। शिवा था, अरे तो मुझसे बात कराना चाहिए था ना, अभी थोड़ी देर में उससे मिलने वाले हैं ना, गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात करना रिस्की है। चलाते समय तो रिस्की है ही। Take clear. Move it. Move, move. Keep moving. 1 o'clock. Clear. 11 o'clock. Clear. 3 o'clock. Clear. Location. All clear. Supermarket खाली है। उसका बाप कुछ मिनट पहले ही भाग निकला। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जैसा तुमने कहा वैसा नहीं हुआ, शिवा ने उसे नहीं भगाया है। इंडियन कम्युनिटी के लोग होंगे, अब उन्हीं का इस्तेमाल करके इसे अंजाम दूंगा, जैसा मैं कहूं वैसा। स्प्रेड आउट, मूव मूव मूव। Hi, Mr. Shiva. I'm your pilot for the night. I can see 3 passenger names. Asmita, Babu and Ramalingam. We are ready for takeoff. Ramalingam is my father. He'll be here any minute. Okay. अरे, मेरी बच्ची! मेरी बच्ची को उठा कर ले गए! वो ले गए उसे! मेरी बच्ची को किडनैप कर लिया! अरे, बच्चे कैसे किडनैप हो सकते हैं? कौन ले जा सकता है? समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सारे सारे बच्चे गायब हो गए, कौन कर सकता है ये काम? हेलो हेलो, सब लोग खामोश हो जाओ। किसी की बच्ची खो गई, किसी का बच्चा खो गया, इसलिए रो रहे हो ना? मुझे पता है कि किसी को कोई खबर नहीं होगी कि आखिर चल क्या रहा है। जो औरत मेरे लिए सब कुछ थी, मैंने उसे खो दिया, इसलिए मैंने हर घर से एक बच्चे को किडनैप किया है। तुम लोग उन्हें जिंदा देखना चाहते हो या मरा हुआ, इस बात का फैसला तुम्हें ही करना है। क्या हुआ, सदमे में हो? मैं समझ सकता हूँ, तुम लोगों को पता है ये सब किसकी वजह से हो रहा है, और कोई नहीं, शिवा। मैंने सिर्फ बच्चों को किडनैप किया है और तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो। तुम लोग जानते हो उसने क्या किया है? एक गर्भवती महिला का गला चीर कर उसकी हत्या कर दी। मेरी अनिशा की लाश लावारिस की तरह पड़ी हुई थी। ये सारा खेल एक चॉकलेट के लिए शुरू हुआ था और अब खूनी खेल में तब्दील हो चुका है। अब मुझे वो चाहिए, तभी मेरा गुस्सा ठंडा होगा, जब मैं उन सब लोगों को मार डालूंगा। शिवा का बाप रामलिंगम, वो सिर्फ तुम्हारी कम्युनिटी की मदद से यहाँ से भाग पाया। अब अगले आधे घंटे के अंदर तुम लोगों को उसे यहाँ लाना होगा। अगर पुलिस को बताने की कोशिश की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आज तक कई लोगों को मौत की घाट उतारा है, तो इन बच्चों को मारने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी।
सुनो, इस सिरफिरे की बात पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अरे सुनिए, ये कोई पागल लगता है मुझे। उसने जो बोला था वो आपने ध्यान से नहीं सुना क्या? पुलिस को फोन करने के बाद भी बच्चों को मार डाला तो क्या करोगे? हाँ, बिल्कुल। अरे थोड़ा दिमाग से काम लो। अरे क्या बात कर रहे हैं, पुलिस सब संभाल लेगी। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अरे ये समझ क्यों नहीं रहा है? क्या कर रहे हो तुम? मेरी बच्ची सिर्फ 9 साल की है, उसे तो अंधेरे से भी डर लगता है। उनके पास बंदूकें थी, वो मेरी बेटी को मार डालेंगे। जैसा वो चाहता है वैसा करो प्लीज, जैसा वो चाहता है वैसा करो प्लीज, हम सबकी बच्चियों को बचा लो। उसकी बातों पर हम विश्वास नहीं कर सकते, पहले शिवा को फोन करते हैं, वही कोई रास्ता निकाल सकता है। सही बात। अंकल अंकल, उसके घर में और दुकान में कोई भी नहीं है। देखा ना, उन लोगों ने हमें फंसा दिया और खुद यहाँ से भागे। अभी हम सब डर और दहशत की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। उसने जैसा कहा है वैसा ही करना, अगर हमें सही लग भी रहा हो तो। हमें ये तो नहीं पता है ना कि रामलिंगम कहाँ है? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। हाँ? मेरे पति को शिवा का कॉल आया था और वो हड़बड़ी में घर से निकले, उसने अपने पिता को साथ लाने को कहा। तो फोन लगाओ ना उसको, उसने तुम्हारी बेटी को भी किडनैप किया है, उससे जल्दी फोन करो। अरे जल्दी उससे फोन करो। एक बार रामलिंगम यहाँ आ जाएगा तो हम उससे बात करेंगे। उसने कहा था अगर रामलिंगम उसे मिलेगा तो वो बच्चियों को छोड़ देगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी वजह से ही ये सब प्रॉब्लम हुई है। हमें जो भी बात करनी है उसके सामने ही करेंगे। पुलिस के सामने जाने की हिम्मत हम में से किसी की भी नहीं है। प्लीज तुम्हारे पति को सब हालत ठीक से समझाओ और ध्यान रखना वो ही सुने। हाँ बोलो गीता। बिना घबराए आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जी। क्या है? क्या हुआ बोलो। किसी ने हमारी बच्ची को किडनैप कर लिया, और हमारी ही नहीं सारी बच्चियाँ गायब है। किडनैपर ने वीडियो भेजा है। अगर हमने रामलिंगम अंकल को उसके हवाले कर दिया तो बच्चियों को छोड़ देगा, नहीं तो सबको मार डालेगा। मेरी बच्ची कितनी घबराई हुई होगी। सुनिए, रामलिंगम अंकल को यहाँ लेकर वापस आ जाइए। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। गणेश क्या हुआ है तुझे? हे तू रो क्यों रहा है? हे बताना मुझे क्या हुआ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरी बेटी को मिर्गी का अटैक आया है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना होगा। उन्हें कोई एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। एम्बुलेंस नहीं मिली तो क्या हुआ, हमारे पास गाड़ी है ना। तू अभी यहाँ से वापस चल। लेकिन शिवा। अरे उसे मैं समझाऊंगा ना। ए तू मेरी बात मानना, ए फिट का अटैक खतरनाक होता है, गाड़ी घुमा ले, जल्दी कर गणेश। अच्छा, अनिशा और राजीव का रिश्ता हमें पता था, तो फिर अनिशा को किसने मारा? राजीव का आखिरी असाइनमेंट बीजिंग से आया था। बीजिंग? बीजिंग के एक अकाउंट से $5 मिलियन उनके अकाउंट में आए। इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ है तो पकड़े जाने का खतरा भी तो है। नहीं है, पेमेंट बिटकॉइन से हुई। राजीव का अटेम्प्ट फेल हो गया था, शायद इसीलिए मारा होगा। तुझे कैसे पता? जिस अकाउंट से पेमेंट हुआ उसका एक और अकाउंट यहाँ है, मैंने उसे ट्रेस कर लिया। ये है उसका प्रोफाइल। उस दिन अनिशा को जब एयरपोर्ट ड्रॉप करने गया था तब इसे वहां देखा था। किसका फोन है? गीता का है। तो उससे बात कर, अगर फोन उठाए तो वो रोने लग जाएगी। हाँ। क्या हुआ शिवा? गणेश अंकल ने फोन बंद कर दिया है। बंद कर दिया? जरूर कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन तुम दोनों निकलो यहाँ से। अरे नहीं, नहीं नहीं, उन्हें फिर से कॉल करो, सिग्नल की प्रॉब्लम होगी या बैटरी डाउन होगी। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, बाद में क्लियरेंस नहीं मिलेगा। तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, प्लीज बोर्ड देम इमीडिएटली। ए बाबू संभल कर जाना, तुम दोनों अपना ख्याल रखो। मुझे माफ कर देना राम भाई। आओ रामलिंगम, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार किस लिए? क्यों तुम्हें कुछ भी पता नहीं है क्या? तुम अपना सामान लेकर कहाँ भाग रहे थे? अपना सामान? शिवा क्या कर रहा है तुम्हें कुछ पता नहीं है? उनके गुनाहों की सजा हमारे बच्चे क्यों भुगत रहे हैं बताओ। अंकल उसने हमारे बच्चों को किडनैप किया है, और उसने कहा आपका बेटा इन सब के लिए जिम्मेदार है। आप सबको बहुत डर लग रहा है। मेरा बेटा जिम्मेदार है? ये आप क्या कह रहे हैं? हेलो अंकल, आपको देखे मुझे 25 साल हो गए। मैं राजीव, नहीं पहचाना मुझे? अरे सुनो, हम इसे यहाँ लेकर आए, अब जैसा तुमने कहा था हमारे बच्चों को छोड़ दो। इतनी भी क्या जल्दी है, एक छोटा सा काम अभी बाकी है। ए ग्रीन शर्ट वाले लड़के, हाउस नंबर 7 के बाहर एक गिफ्ट बॉक्स रखा है, जले क्या? ठीक 2 बजे उन बच्चों को खत्म कर देना।
मेरी बेटी, मेरी बेटी, मुझे सिर्फ वो चाहिए। अब वो बॉक्स ओपन करो। अंकल, इस खेल में आपका कोई रोल नहीं, आप पीछे जाकर बैठ सकते हैं। 2:15 बाकी हैं, लेकिन ये काम करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड की जरूरत है। तुम में से कोई भी हो सकता है ये काम, चाहे कोई भी करे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शिवा के बाप को गोली मार दो, रोने की जरूरत नहीं। क्या हुआ, डरने वाली बात नहीं है? मैंने इस एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर दिए हैं, बेखौफ होकर उसे मार दो। अगर ये काम तुम कर लोगे तो तुम्हारे बच्चे सही सलामत घर पहुंच जाएंगे, वादा करता हूं। मेरी बेटी की जान मुझे ज्यादा प्यारी है। अरे क्या कर रहा है, उसका दिमाग खराब हो गया क्या? अरे क्या कर रहा है तू? अरे इसे समझा कोई, क्या कर रहा है? मत करो, अरे ऐसा मत करो भाई। बोलो पिंकी। याद है वो आदमी जो मुझे स्कूल ले गया था? उसने कहा था वो आपके दोस्त हैं। उसके लोगों ने हमारी कॉलोनी के 15 बच्चों को किडनैप किया है। आपके दोस्त का वीडियो आया और उसने कहा अगले 15 मिनट में हमने रामलिंगम अंकल को मार दिया तो वो कॉलोनी के सारे बच्चों को छोड़ देगा। रघु काका ने तो गन भी उठा ली है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पिंकी घबराओ मत, जैसा कहता हूँ वैसा करो। हाँ ठीक है अंकल। दुकान के बाहर तुम्हें इलेक्ट्रिक बॉक्स दिखाई दे रहा है? हाँ अंकल। उसके पास जाओ और उसका दरवाजा खोलो। इस पर तो डेंजर लिखा है। घबराओ मत पिंकी, खोलो उसे। उसके अंदर एक फ्यूज होगा, निकालो उसे। अंकल सारी लाइट्स ऑफ हो गई है। दुकान के बाहर कुछ चमकता हुआ दिख रहा है क्या? गुड, टायर के निशान दिखाई दे रहे हैं? के निशान दिख रहे हैं। फॉलो करो, जल्दी भागो, वक्त नहीं। सॉरी अंकल, मेरी बेटी की जिंदगी मेरे लिए ज्यादा प्यारी है। आपके बेटे के साथ होता तो शायद आप भी कुछ ऐसा करते। इंसान सिर्फ सगे लोगों को ही अहमियत देता है। अगर तुम्हारे बेटे को हमारी फिक्र होती तो इस तरह भाग कर कहीं छिप नहीं जाता। ये निशान तो राइट में से रंगन रोड की तरफ जा रहे हैं। ओके, अब संभल कर वापस जाओ। अंकल क्या आप नहीं आएंगे? रामलिंगम अंकल को ये लोग, जिन 15 बच्चों को किडनैप किया है वो भी हमारी फैमिली है। पहले उन्हें बचाना होगा। पापा को कुछ नहीं होगा, तुम संभल कर जाना। मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं मार सकता। रामलिंगम, अपने बेटों को यहाँ बुलाकर सब मामला सुलझा देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे ऐसी हालत में हैं। जितनी मर्जी उतना कोसो, मार दो मुझे, पर पिछले 25 सालों से यहाँ के सब लोगों को मैंने अपना परिवार माना है। अब मेरी बात सुनो, अगर मेरी वजह से यहाँ के बच्चों की जान जाती है तो मुझे मार डालो। मैं आंखें बंद करता हूं, मैं ये नहीं देखना चाहता कि मुझे किसने मारा। मार डालो मुझे। में भी दम नहीं है क्या? लगता है तुम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है।
शालिनी मेरी बेटी, शालिनी शालिनी मेरी बच्ची, छोड़ दो उसे, मेरी बच्ची को छोड़ दो। मुझसे उन बच्चों की हालत नहीं देखी जाती, मुझे मार डालो, जल्दी मुझे मार दो, सोच क्या रहे हो, मुझे मार डालो और अपने बच्चों को बचा लो, जल्दी करो। मैं मारूंगा तुम्हें, मैं मारूंगा, माफ करो लेकिन मुझे करना पड़ेगा। तुमने कहा था आंखें बंद कर लोगे, तो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो अंकल, प्लीज बंद कर लो अपनी आंखें। मैं जानता हूँ तू ट्रिगर नहीं दबा पाएगा, चल मुझे दे दे, मुझे दे, मारूंगा मैं। हम यहाँ अपनी लाइफ बनाने आए थे, हम में से किसी के अंदर वो दम नहीं कि किसी इंसान की जान ले सके, ऐसे टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, जो होगा देखा जाएगा। इमोशनल फूल्स, तुम लोगों के लिए ये जिंदगी भर का सबक बन जाएगा। ए, खत्म कर दो सबको। लोड द गन्स एवरीवन। कौन है? पता नहीं।
कैसे हो अंकल? आपके लोग बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए, खुद की जान बचाने के लिए आप 15 बच्चों की बलि चढ़ाओगे। 13 साल की उम्र में मैंने अपने बाप को मारा था, तो मुझे इन बच्चों को मारने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आज आपकी कम्युनिटी में 15 लाशें पहुंच जाएंगी और आप जिंदगी भर खुद को माफ भी नहीं कर पाओगे। यह आपके जमीर को चुभेगा नहीं? चलो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं अभी आपको एक आखिरी मौका देता हूँ, सोच लीजिए, इन बच्चों की जान बचाने का आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगे? उन्हें बचाओगे या हमेशा की तरह डर के भाग जाओगे? बताओ मुझे क्या करना होगा? आपकी दुकान पर जाइए। और फिर? हाँ, ठीक दूसरे काउंटर पर, ठीक सामने देखिए, वहां पे आपको एक बोतल दिखाई देगी। मैं जानता हूँ आपको रिस्क लेने से डर लगता है, इसलिए आसान सा रास्ता दिखाया। अगर आप चाहते हो कि बच्चे 10 मिनट के अंदर आपकी कम्युनिटी में सेफली वापस पहुंच जाए, तो वो बोतल खोलिए और उसके अंदर का लिक्विड पी जाइए। और कोई चारा नहीं था, मुझे वापस लौटना ही पड़ा। मुझे पता होता आपकी बेटी को खतरा है तो मैं खुद आपको वापस जाने को कहता। मैं जानता था आप पापा को कुछ नहीं करेंगे, हम सब एक परिवार जैसे ही हैं। पापा? शिवा बेटा, आ गया तू? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ पापा। सुखी रहे बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। क्या हुआ पापा? मेरे लिए इतना ही काफी है। बातें क्यों कर रहे हैं? अब मेरे पास टाइम नहीं है। पापा, पापा क्या हुआ? पापा, 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 पापा खून क्यों आ रहा? पापा, कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। मुझे माफ कर दे बेटा। किस बात के लिए? मैंने जहर पी लिया है, बच्चों को बचाने का कोई और तरीका नहीं नजर आ रहा था। याद है 25 साल पहले तूने 10 मिनट मांगा था? चल गाड़ी में बैठ जल्दी। पापा मेरी बात सुनिए, मुझे 10 मिनट के लिए वहाँ जाने दीजिए, मैं पता लगा सकता हूँ अंकल को किसने मारा। पापा, अगर मैं उस दिन भागने की कोशिश नहीं करता तो राजीव इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं बनता, ऐसा राक्षस कभी नहीं बनता वो। बेटा मैं तुझसे हमेशा यही कहता रहा कि रिस्क मत लेना, भले ही मैंने तुझे पाल के बड़ा किया है पर तू मेरे जैसा नहीं है, तू अपनी माँ की तरह है। जब कभी किसी को तकलीफ होती थी ना, मदद करने के लिए तेरी माँ जब आगे आती तो मैं उस पर बहुत गुस्सा करता था, लेकिन बेटा जब तक इस दुनिया में राजीव जैसे लोग हैं, हमें तेरी माँ और तुझ जैसे लोगों की जरूरत है। तू होशियार है, काबिल है और ताकतवर भी, पर तेरी एक कमजोरी है तेरा बाप। बेटा नहीं पापा, तू आपको कुछ नहीं होगा। पापा, 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 पापा उठिए पापा, आपको कुछ नहीं होगा। पापा, पापा एम्बुलेंस आ गई है, मुझसे बात कीजिए। पापा आंखें खोलिए। पापा, पापा आराम से, आराम से। पापा, पापा एम्बुलेंस भी आ गई है। पापा आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। पापा एम्बुलेंस भी। पापा थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए, मैं आपको जरूर बचा लूंगा। पापा हॉस्पिटल तक जाना, ज्यादा दूर नहीं है पापा, मैं आपको बचा लूंगा। पापा अंकल आप बताइए ना, आपकी आवाज सुनेंगे तो जाग जाएंगे। दीदी आप इनसे कहिए ना, आपकी आवाज सुनेंगे तो पक्का जाग जाएंगे, कोई कुछ कहो ना इनसे। पापा बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। पापा
प्लीज पापा मुझे छोड़ के मत जाइए। शिवा तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पापा पापा तुम्हें इस तरह से रोता देख मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वैसे तुमने सारे बच्चों को छुड़ाकर सारी कम्युनिटी को उनकी खुशी लौटा दी है, लेकिन अपने खुद के बाप को नहीं बचा पाए। क्या यार वो तो पागल थे, जैसे 25 साल पहले थे उतने ही भोले थे बेचारे। उनको लगा कि ऐसा करने से सारे बच्चे बच जाएंगे और कुछ सोचे बिना ही उन्होंने जहर पी लिया। क्या कहा था तुमने? तुमने कहा था कि गुस्से में मेरा दिमाग काम नहीं करता। What was that? Emotionally unstable. क्यों? अब तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? मुझे मारने की इच्छा नहीं हो रही है? ए, अब जाकर हम बराबर हुए हैं। मैं तुझे मेरी औकात पर ले आया हूँ, अब आजा मेरे पास। मुझे पता है कि अब तू मेरे पास आएगा। ये सोच के अपना सर मत फोड़ना कि मैं कहाँ हो सकता हूँ। मैं ही बता देता हूँ, सिटी टावर 54th फ्लोर है। चला जा। Yeah!
अपना वक्त साथ बिताया। मैंने हमेशा से तुझे अपना सच्चा दोस्त समझा था। पता नहीं तुझे मुझ पे इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों आता है तुझे गुस्सा? अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं आता तो मेरे पापा मेरे साथ होते, अनीशा भी आज मेरे साथ होती। बचपन से मेरी जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा होता तब कहीं से तू आ जाता और सब कुछ मुझसे छीन लेता। अपने बाप को मारने वाला तू था, गुनहगार बनने वाला भी तू था, अपने बीवी और बच्चे को खतरे के बीच रखने वाला तू था। मेरे पापा तो मासूम और भोले भाले थे, क्या बिगाड़ा था तेरा? अब हार चुभ रही है ना तुझे? मुझे भी ऐसा ही लगा था। जब अनीशा की मौत हुई थी तब बिल्कुल ऐसा ही दर्द हुआ था। क्या जीत और क्या हार, तुझे अब भी ये कॉम्पिटिशन लग रहा है? हाँ लग रहा है। तुझे पता है मौत से बदतर क्या होता है? अपना बदला पूरा किए बगैर मरना। ए, मैंने तेरे बाप को मार डाला और तुझे घायल कर दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। छोड़ दे मुझे, मुझे मारना है ना तो छोड़ दे पैर, छोड़ दे मेरा पैर। मारूंगा तुझे, अपने पापा की मौत का बदला लूंगा, लेकिन वो आदमी जिसने तेरी बीवी को मारा वो आदमी आज भी इसी शहर में घूम रहा है, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानना चाहता है वो कौन है? ऐसे क्या देख रहा है? मैं जानता हूं तूने उस आदमी को बिटकॉइन से पेमेंट की थी, और जब मिशन फेल हो गया तो उसी ने तेरी बीवी को मारने की सुपारी भी दी थी, लेकिन तूने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। तू कर ही नहीं सकता था क्योंकि गुस्से में तेरा दिमाग नहीं चलता। तू अनीशा के कातिल को ढूंढ नहीं पाया और उस आदमी से तू बदला भी नहीं ले पाएगा। तू झूठ बोल रहा है, कौन ये झूठ है? कौन है, कौन है वो आदमी? बता मुझे शिवा, कौन है वो? गुड बाय राजीव, मुझे ऊपर उठा शिवा, बोल कौन था? नहीं, पापा हम हर साल दादाजी की बरसी पर यहाँ आते हैं, तो आप उस आदमी की कब्र पर फूल क्यों चढ़ाते हो? माँ कहती है कि वो एक बैडमैन था। हाँ वो बैडमैन था, लेकिन जब तुम्हारी उम्र का था तब एक गुड बॉय भी था। बैडमैन तो वो बड़ा होकर बना और मैं बड़ा होकर दुकान चलाने लगा, क्योंकि हम दोनों में एक ही फर्क था, हम दोनों के पापा। ये याद रहे इसीलिए फूल चढ़ाता। आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, वैसे तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बताओ तो सही। फाइटर जेट का पायलट कैसा रहेगा? क्या बात है। एक्चुअली नहीं, सेंटोसा में जो अंकल रोलर कोस्टर चलाते हैं ना, मुझे उनके जैसा बनना है। रोज रोलर कोस्टर चलाऊंगा। ये भी बढ़िया। या क्यों ना मैं आपके जैसा बनकर सुपरमार्केट में काम करूं? किस लिए? फिर मुझे रोज चॉकलेट मिलेगी।
वैसे ये भी एक अच्छा काम है, जो चाहे बनो। पापा मैं जो कुछ भी बोलता हूँ आप उसके लिए सुपर क्यों बोलते हैं? अच्छा बताओ तुम्हें और क्या क्या बनना है? मुझे बैटमैन बनके पैराशूट से जंप करना है, फिर मुझे स्पाइडरमैन बनके बुरे लोगों की पिटाई करनी है, मुझे मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर बनना है और उसके जैसे बहुत ऊंचा उड़ना है। बहुत ऊंचा उड़ता है ना? हाँ, मुझे एरोप्लेन की तरह उड़ना है। No man who can hide, try to ask him, might run, die.